चरे 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 चो एयरपोर्ट जाना है, मेरा बेटा आ रहा है। हाँ? देखो ये सारी घड़ी भी स्लो चल रही है और ये वाली तो बंद ही पड़ गई है। ना ही कुछ स्लो चल रहा है ना ही कुछ बंद पड़ गया है। तो क्या मैं पाग होता है विजय के आने की खुशी में मैं पागल हो गया हूँ। याद रखना, खाने में गरम पानी और नहाने में गरम खाना रख देना, उसका सामान बिस्तर पे और उसे अलमारी में रख देना। अब मैं जाऊँ एयरपोर्ट? जाइए। चेक करो। हमें क्यों चेक कर रहे हो? देखना है। क्यों देखना है? ये टूं टूं कर रहा है, कहीं बम हुआ तो? तुम्हारी पॉकेट में कुछ है? मेरी पॉकेट में? सॉरी ऑफिसर, ये घोड़े की नाल है, ये मैंने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए लगाई थी। घर को तो नहीं पर मुझे बहुत नजर लगती है, इसलिए अपने साथ रखता हूँ। जाओ यहाँ से। थैंक यू। वैसे अब मैं काले टीके से काम चला लेता हूँ। क्या चैट? ए लीचड़, अपने कीचड़ वाले हाथ हटा। अरे अंकल, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? विजय आ रहा है ना। हाँ। अगर प्लेन समय से पहले आ गया तो? ये प्लेन है, कोई ट्रेन नहीं। जो पटरी खाली मिली तो पहले आ जाएगी। अगर ओवरटेक कर लिया तो? अरे मक्खन मलाई। अरे जान न पहचान, जबरदस्ती अपना हाथ बढ़ा रहा है। जब भी मैं गोरी मैम देखता हूँ शादी करने का मन करता है। एक्सक्यूज मी, तुम मुझसे शादी करोगी? अगर हमारी शादी हो जाए तो हमारे बच्चे होंगे लाइक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। एक्सक्यूज मी, इज लिटिल क्रेजी। क्या बोल रहा है? विजय। हाय डैड। हाय विजय। सॉरी। वेलकम। हेलो डैडी, हाउ आर यू? फ्लाइट कैसी रही? हाँ ठीक ही थी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कितना पतला हो गया तू। छोड़िए ना डैड, कितना पुराना डायलॉग है, मुझे तो आप ही पतले लग रहे हैं। अरे आते ही मुझ पर जोक मारना शुरू कर दिया। चल। थैंक यू। हाय विजय, मोहन बोल रहा हूँ। हाय अंकल, हाउ आर यू? फाइन। कब पहुँचे? आज अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से आया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सौम्या कहाँ है? एक मिनट। हाय सोम्स, कैसी हो तुम? मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। क्यों? बात क्यों नहीं करोगी? तुम यहाँ आकर मुझे फोन कर रहे हो, अपने आने की खबर पहले नहीं दे सकते थे? तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसीलिए नहीं बताया। इतना टेंशन क्यों ले रही हो? ठीक है, आज शाम को एक पार्टी है और तुम्हें आना ही होगा। नो सोम्स, मुझे नींद आ रही है, जेट लैग जरा उतर जाए फिर कल मिलते हैं। ओके? अब मैं तुम सबके लिए पैसे कमा कमा कर थक चुकी हूँ। मुझे क्या कोलू का बैल समझ रखा है तुम लोगों ने? सब खा खा कर मोटे हो रहे हैं और मैं सूख कर कांटा हो रही हूँ। अब तू अपने ये नखरे दिखाना छोड़ दे, नहीं तो तेरे ससुराल वाले तुझे हीरोइन से बाई बना देंगे। अब ताने मत मार, जिस ससुराल में तू गई है मैं उनके बारे में सब जानती हूँ। उन कंगालों की वजह से 20 लाख का लोन लिया है तब जाके तेरी शादी हुई है, और कुछ ही दिनों में तेरा पति तुझे यहाँ वापस छोड़ गया ये कहकर कि तुझे हार्ट प्रॉब्लम है और तेरा ऑपरेशन हमें ही करवाना होगा। और शंकर को आज तक कोई नौकरी नहीं मिली, पता नहीं इंटरव्यू देने जाता है या वहाँ जाकर लड़कियों को तारता रहता है। मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी है, अगर मैं शादी करूंगी तो मैं अपने पसंद के घर में अपने पसंद के लड़के से करूंगी, जिसका एक बड़ा सा बंगला हो, ढेर सारी गाड़ियां हो, नौकर चाकर। दीदी आ गई। तू कब आई? क्या माँ, क्या मैंने आज तक कभी भी तुम में से किसी पर इस तरह का कोई भी इल्जाम लगाया है? देख रही हूँ इसकी जुबान बहुत चलने लगी है, जाओ मैं किसी से बात नहीं करती। छोड़ प्रिया, ये तो बचपन से ही ऐसी है, नालायक कहीं की। प्रिया तेरे जाने के बाद ये ऐसे ही तेरी एक्टिंग करके अपनी भड़ास निकालती रहती है। बस बस बस, मेरी पुल खुलेगी, खुद भी तो बता लेती है। देखना मुझे डांट रही है। झूठ बोल रही है। मैं खुद कुछ दिनों से देख रही हूँ तेरी ये हरकतें। दीदी क्या सजा दी जाए? इसे आज से ये सारे काम करने होंगे, पोछा लगाना, कपड़े धोने, बर्तन मांजने। मैं नहीं करने वाली। अच्छा, प्रिया की नकल उतारना आता है, घर के काम करना नहीं आता? आज से तुम करोगी ये सब काम। मैं यहाँ की नौकर हूँ क्या? तेरी तो दीदी आपके सामने इसने मुझे थप्पड़ मारा। दीदी तो मैं रात को भूत डराऊंगी, लाइट जला कर सोऊंगी। अच्छा मैराथन अच्छी दौड़ है। तूने कहा था कि दिल का ऑपरेशन करने माँ के पास जाना है, पर यहाँ तो मैराथन के लिए रनिंग प्रैक्टिस चल रही है। आइए जीजा जी। जीजा तो मत बुला, मैं पक्का गधा हूँ, क्योंकि तुम्हारी सारी फैमिली ने मिलकर तो मेरे चेहरे पर गधे की मोहर लगा दी है। सुन लो प्रिया, ऑपरेशन होने तक कम से कम हफ्ते में एक बार इसे मेरे पास भेज देना। नाराज मत हो, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इसका ऑपरेशन। आप तो चुपी रहिए, बीच में मत बोलिए, क्योंकि आप ही ने हम दोनों की धोखे से शादी करवाई है। अब हमारी और बेइज्जती मत कीजिए, वो हमारी बहन है, हम जानते हैं हम उसका ऑपरेशन कैसे करवाएंगे और उस ऑपरेशन का खर्चा हम कैसे उठाएंगे। जब ऑपरेशन हो जाएगा तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तब आकर ले जाइएगा। एक महीने का टाइम दे रहा हूँ, इसका ऑपरेशन करवा कर इसे घर भिजवा देना, नहीं तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। साइन किया हुआ डिवोर्स पेपर।
हाय विजय। अरे क्या डैड, आप तो बिजनेस में इतना उलझ गए कि आप मुझे भूल ही गए। क्या करूं बेटा, प्रोडक्शन मुझे देखना है, फैक्ट्री मुझे जाना है, ऑफिस मुझे जाना है, 24 घंटे भी कम है, आखिर मैं अकेला क्या करूं। नहीं, डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि चीनी और शराब से दूर रहो, नहीं तो पता नहीं कब तेरे इस मोटे बाप का राम नाम सत्य हो जाएगा। इधर तेरा बाप गुजरा और उधर सारी जायदाद तेरी। डैड, अरे नहीं नहीं, तुम लो, चीयर्स। चीयर्स। एंजॉय माय सन, एंजॉय, गॉड ब्लेस यू। इतनी प्रॉब्लम्स है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है, काम धाम छोड़कर थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए ना। फैक्ट्री और ऑफिस जिस दिन से तुम टेक ओवर कर लोगे बेटे, बस उसी दिन से तेरे डैडी का आराम शुरू। कमाल है डैड, आपका ये पेट तो आइडियाज का भंडार है। अब जरा मजाक छोड़िए, आपका ये बिजनेस टेक ओवर करके मुझे जिंदगी भर की टेंशन नहीं पालनी है। जमा जमाया बिजनेस है, आखिर सब कुछ तुम्हारा ही तो है। डैड, आपने दादाजी के लिए इस बिजनेस को बढ़ाया, अब आप चाहते हैं कि आपकी खुशी के लिए मैं उसे बढ़ाऊं। अगर इसी तरह हम सिर्फ पैसे कमाने में लग गए तो कमाए हुए पैसों को खर्च करके एंजॉय कौन करेगा। यहाँ आपकी सारी फेवरेट ड्रिंक्स रखी हुई हैं, पर आप इनका एक घूंट भी नहीं ले सकते। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का, मैं आपके जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। जब तक एंजॉय कर सकता हूँ एंजॉय करूंगा, मेहनत करने का वक्त आएगा तो मेहनत कर लूंगा, दैट्स माय पॉलिसी। विजय, तुम्हें ये रिस्पांसिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। नो रिस्पांसिबिलिटी एंड नो बिजनेस डैड, ओनली हैप्पीनेस। ओके, आप मुझ जैसी जिंदगी जीकर देखिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मोहन। अरे वो कोरियन कंपनी ने कोटेशन मंगाए थे, मैंने तुमसे वो भेजने के लिए कहा था। वो कोरियन कंपनी का, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था सर। इडियट, तो मेरे रिश्तेदार हो इसलिए मैंने तुम्हें मैनेजर की पोस्ट पर रखा था, पर तुम तो चपरासी के लायक भी नहीं हो, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। आई एम सो सॉरी। बंद करो ये बकवास, गेट लॉस्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे, इसकी वजह से हमारे क्लाइंट चुप जाएंगे। मैंने वो फैक्स कर दिया। तुमने फैक्स भेज दिया? हाँ। उस कोरियन कंपनी को? यू आर रियली ग्रेट। तुम्हारी ये सिंसियरिटी देखकर तुम्हें मैनेजर बनाने का मन कर रहा है। आई लाइक योर सिंसियरिटी। गॉड ब्लेस यू। अरे सुनो, कुछ समय के लिए मुझे कोई कॉल मत देना प्लीज। थैंक यू सर। वो फैक्स तो मैंने भेज दिया, फिर आप किस बात की टेंशन है? क्या बताऊं बेटे, सोचा था विजय अमेरिका से आएगा, मैं उसे अपनी ये फैक्ट्री बिजनेस सब कुछ हैंड ओवर करके थोड़ा आराम से रहूंगा, अब तो लगता है ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों सर, वो नहीं आया? वो आ तो गया है बेटे, पर ऑफिस नहीं आना चाहता। क्यों? अभी वो एंजॉय करना चाहता है, उसका कहना है कि ये उम्र एंजॉय करने की है, और ये भी कहता है कि जब मेहनत करने का वक्त आएगा तो वो मेहनत करेगा। मुझे भी उसने सलाह दी कि मैं भी उसके इसी नक्शे कदम पर चलूं। पता नहीं वो इस वक्त किसके साथ और कहां होगा। ना जो ना मुझे, अरे ये तो स्टाइल है यार, तुम मेरा सहारा नहीं। स्टडी यार, तुम क्या रूम तक छोड़ने आओगे? इसको कहते हैं हमारा हीरो, इसके लिए ये है अदा, और मैं करूं तो मैं हूं गधा, ये पकोड़े तले तो है शेफ, और मैं तलूं तो नाली के किनारे वाली गंदी दुकान का हलवाई, और मैं कर भी क्या सकता हूँ, बस यही बदकिस्मती है हमारी, ये साला कॉमेडियन कॉमेडियन ही होता है। ध्यान से। हाय अंकल। हाय अंकल। हाय डैड। ये लीचड़ कौन है? ये तुम्हारे डैड है। और क्या, दो पैग और पिला तुझे अनारकली बना। क्या बोल रहा है? दारू तेरे सिर पर चढ़ गई है। चढ़ तो वो लोग रहे हैं। बता भी है तू क्या बक रहा है, रात भर सड़क पर क्यों घूमता रहता है? सड़क पर नहीं, जन्नत कहिए मुगले आजम, विदेशी दारू, विदेशी परिया। आहा आहा, थैंक यू विजय। और अगली बार आप भी आना, ठीक है? बहुत ज्यादा बोल रहा है। अनारकली तुम भी एक आइटम नंबर कर लेना। अगली बार अगर तूने उसे किसी ऐसी जगह ले जाने की कोशिश की तो मैं तुझे लात मार कर बाहर निकाल लाऊं। मत अंकल, आपका बीपी बढ़ जाएगा तो मेरी चढ़ी हुई दारू उतर जाएगी। निकलता है तू एक। बाय अंकल। बाय बाय। भैया, विजय के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, उसके पैरों में शादी की बेड़ियां डाल दीजिए। देखिए, मेरा बेटा रमेश और आपकी बेटी जयंती दोनों आपस में कॉलेज के समय से प्यार करते हैं। आज के जमाने में लड़कियों और लड़के अपनी शादी बिना बताए कर लेते हैं, पर मैं अपनी बीवी को मना कर लाया हूँ कि ये जातिवाद के चक्कर छोड़ दे। अब जब शादी पक्की हो गई है तो दान दहेज की बात भी हो जाए, 2-3 लाख कैश तो दोगे ही, और घर के सारे सामान के साथ जब सेंट्रो कार्ड दोगे ना, तब हम शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। बस 2 महीने का टाइम दीजिए, मैं ये सारा इंतजाम कर लूंगी। हम तारीख फिक्स कर लें? पहले सब जमा कर लेना, तब तारीख की बात करना है। तो चलो 2 महीने के बाद ही मिलते हैं। तो अब माता जी नमस्ते। नमस्कार। चलिए। प्रिया,
वैसे ही हम 2 महीने से घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं। अब हम तैयारी कैसे करेंगे, वो भी सिर्फ 2 महीने में। वो लालची लोग हमसे ये सब मांग रहे थे, तभी तुम्हें मना कर देना चाहिए था। मांगने वाले वो लोग बेवकूफ नहीं है, हमारी लड़की है। अभी तक तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तो हम छोटी की शादी कैसे करवा दें? सोचा है दुनिया वाले क्या कहेंगे? क्या फर्क पड़ता है, यही कहेंगे मुझ में जरूर कोई खोट होगा, तभी मुझे छोड़कर छोटी वाली की पहले शादी हो रही है। जाने दो ना, कर देते हैं। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो? फिर बताओ तुमसे शादी करने कौन आएगा? अपुन है ना, अपुन करेगा। जब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ तो किसी और की क्या मजाल जो तुमसे शादी कर ले। क्या बोलती आंटी? ए, तेरी समझ में नहीं आता, पेपर पे लिख के दूँ कि तू इसके लायक नहीं है? अरे तुमको मालूम नहीं अपुन कौन है? 7 times मोहल्ला चैंपियन हूँ वेट लिफ्टिंग का। मेरे लेवल का पहलवान तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, समझे? प्रिया डार्लिंग, इधर आ, अपन का मस्कल तो देख। ओ, दूर से नहीं दिख रहा होगा, चलो पास आ जाता हूँ। अब दिख रहा है ना, इन डोले शोलों के आगे कोई दूसरा तैयार ही नहीं होगा। इनकी मत सुनना, नहीं तो यहीं सड़ जाएगी। जरा झाड़ू लेकर आना। 7 times वेट, ये लो मोहल्ला चैंपियन। 7 times देखो, ऑफर मत छोड़ना। 7 times कहां से पीछे पड़ गया। ये त्रिभुवन लाल भीमजी लाल की इकलौती बेटी है, लेफ्ट साइड से देखो तो बिल्कुल हेमा मालिनी जैसी दिखती है। धर्मपा जी हमें पीटेंगे। रामू, मतलब इसे कहिए हीरोइन टाइप की लड़की ना दिखाए। विजय के लिए कोई घरेलू लड़की चाहिए जो उसे संभाल सके। तो ये जयललिता कैसी रहेगी? ये क्या डैड, कंपनी के एड के लिए मॉडल्स देख रहे हैं आप? नहीं बेटे, दुल्हन देख रहा हूँ। दुल्हन किस लिए डैड? तुम्हारे लिए। अच्छा तो यहाँ शादी की तैयारियां हो रही है, तू तो गया बेटा। तिवारी जी एल्बम उसे दिखा दीजिए, खुद सेलेक्ट कर लो। हाँ जी, मेरे पास सिर्फ गांव की छोरी नहीं, फॉरेन की गोरिया भी है। आउट। अरे बेटे आप चुप रहिए डैड, आउट मींस गेट आउट ऑफ हियर। इसका मतलब? ओए निकल ले। डैड आप खामखा मेरी शादी के लिए परेशान हो रहे हैं, मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। अभी नहीं या कभी नहीं करनी? डैड आज हमारी जनरेशन के पास मन बहलाने के लिए ईमेल, इंटरनेट, चैटिंग, फेसबुक, कितनी सारी चीजें हैं, उसके लिए शादी करके लाइफ बर्बाद करने की क्या जरूरत है? और लिविंग रिलेशंस के जमाने में शादी का बंधन वो क्या कहते हैं उसे, स्पीड ब्रेकर की तरह है। आप प्लीज मुझे एंजॉय करने दीजिए। अरे देखो नहीं, शादी नहीं, 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 नहीं प्लीज है। मैं आपकी ये शादी की बात बिल्कुल नहीं मानने वाला। विजय, विजय प्लीज, विजय। इस तरह जीने से तो अच्छा कि मैं पी के मर जाऊं। भैया मेरी बात सुनिए, भैया ये अच्छा नहीं है। हाथ मत लगा मुझे, चल चल हट। डैड डैड चल, छोड़ मुझे। विजय तू बीच में मत पड़, मैं अकेला ही रहूं और अकेला ही मरूंगा। डैड छोड़िए, डैड आपकी बॉडी की कंडीशन ऐसी है कि आप शराब की एक भी बूंद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये जहर है आपके लिए। भूल जा, जहर से बुरा तो वो दुख है जो शादी न करके तू मुझे दे रहा है। मेरे दिल पे क्या गुजर रही है वो तू क्या जाने, मुझे मत जाने दो प्लीज। विजय डैड आप अपनी ये शादी की जिद, बस आप ये जिद छोड़ दीजिए डैड। इसके अलावा आप मुझसे जो भी करने को कहेंगे मैं कर लूंगा। अरे भूल जा, एक रिक्शा वाला भी जो दिन रात मेहनत करके 100-200 रुपए कमाता है, वो भी अपने बेटे की शादी करके ढेर सारी खुशियां पाता है। और तेरा बाप अरबोपति है, जिसकी फैक्ट्री है, बिजनेस है, बंगला है, कार है, सारे ऐशो आराम है, पर इन सब का क्या फायदा? मैं अपने बेटे की शादी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता, घर का चिराग पाने की उम्मीद नहीं कर सकता, अपने पोते पोतियों को भी नहीं खिला सकता, तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा, एक तन्हा जिंदगी। विजय जब तेरी माँ की तरह मैं भी मर जाऊंगा तो तुझे टोकने वाला कोई नहीं होगा, तब तू जैसे चाहे जी लेना। यू कैन एंजॉय योर लाइफ व्हिचएवर वे यू लाइक। नहीं बोतला प्लीज प्लीज। अरे रुक जाइए भैया, जानबूझकर इस जहर को क्यों पी रहे हैं? जब इसे मेरी परवाह ही नहीं है तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? डैड मैं शादी के लिए तैयार हूं। डैड आप जो लड़की पसंद करेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। वो शर्त यह है कि मैं बस 1 साल के लिए शादी करूंगा। बस 1 साल के लिए? अगर 1 साल के लिए मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश रहा तो फिर मैं उसी लड़की के साथ आगे की जिंदगी बिता लूंगा, वरना वरना डिवोर्स। ऐसी बेवकूफी भरी कंडीशन पर कौन लड़की तैयार होगी? मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जो ये शर्त मान लेगी, वरना शादी की बात ही मत कीजिएगा, ठीक है? अरे, अरे, लगता है पागल हो गया है लड़का, कोई अकल की अंधी है ऐसी शर्त मानकर इस लड़के से शादी करने को तैयार होगी? ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो लड़की अकल की अंधी नहीं होनी चाहिए, इसकी अकल ठिकाने लाने के लिए कोई ऐसी लड़की चाहिए जो इससे ज्यादा अकलमंद हो। लेकिन ऐसी लड़की अब...
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। बताओ क्या खबर है? सर, हमारे ऑर्डर लेटर भेजते ही बैंक पैसा रिलीज कर देगा, आप बस साइन कर दीजिए। तो एक काम करो, अपना इस्तीफा साइन कर दो। तुमने सुना नहीं, रेजिग्नेशन लेटर साइन कर दो। सर मैं, सर पर मेरी गलती क्या है? बताता हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट विश्वनाथ की बहू अपने ही ऑफिस में पीए की नौकरी करेगी तो लोग मुझे उल्लू का पट्टा नहीं कहेंगे क्या? इसीलिए कहता हूँ इस्तीफा दे दो, अगर नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। ये बात नहीं है सर, इस वक्त मेरी फैमिली की पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं अपनी शादी के बारे में कुछ भी सोच सकूं सर। डोंट वरी प्रिया, आज और अभी से तुम मेरी बहू हो, तुम्हारी फैमिली मेरी भी तो फैमिली हुई ना, घबराओ नहीं, बस हाँ कर दो प्लीज। ओके। हुर्रे, तू इतने दिन थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। तुमने तो मेरी सारी चिंता ही मिटा दी, मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हो। तुम एक काम करो, इसी वक्त जाकर विजय से मिल लो और तुम दोनों आपस की सारी अंडरस्टैंडिंग बना लो। मैं उसे फोन करके बताता हूँ कि तुम आ रही हो। यू गो, तुम जाओ और उसे मिलो। क्या करूँ, कंट्रोल ही नहीं होता, मैं बहुत खुश हूँ। एक्सक्यूज मी, प्रिया? यस। आ जा। डैड ने फोन करके बताया था, छोटा नाम सुनकर मैंने सोचा कि लड़की भी छोटे कपड़ों वाली होगी। कोई बात नहीं, तुम्हें इस तरह साड़ी में देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। वैसे तुम्हें हमारी अग्रीमेंट के बारे में तो पता है ना? कैसी अग्रीमेंट? हमारी मैरिज अग्रीमेंट। मैरिज अग्रीमेंट? उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। घबराओ मत, सिंपल कंडीशन है। देखो, हमारी शादी बाकी आम शादियों जैसी ही होगी, लेकिन हम पति पत्नी होंगे सिर्फ एक साल के लिए। बात यह है कि लाइफ में मैं किसी तरह की कमिटमेंट पसंद नहीं करता, इंक्लूडिंग मैरिज। और अगर इस एक साल में तुम पसंद आ गई और मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी चाहिए, तो मैं अग्रीमेंट कंटिन्यू करूंगा। दैट्स माय कंडीशन। इतनी देर से मैं ही बकबक कर रहा हूँ, तुम भी तो कुछ कहो ना। तो आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मैं आपको अच्छी लगी और आप एक साल के लिए मुझे अपनी रखेल बनाकर रखना चाहते हैं? रखेल? रखेल मतलब? फॉरेन में पढ़कर आए हो ना, इसीलिए रखेल का मतलब नहीं जानते। रखेल को तुम्हारी भाषा में कीप कहा जाता है। क्या मैं कोई बच्चा हूँ जो कीप और वाइफ का फर्क नहीं समझूंगा? मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था। अरे शादी में वो काला सा धागा पहनते हैं ना, क्या कहते हैं, सूत्र, सूत्र, मंगलसूत्र भी पहनाऊंगा, पर शादी का हमारा बंधन होगा एक साल का। एक साल के लिए मुझे अपनी टेम्पररी बीवी बनाकर रखना चाहते हो? सुनो, रुको रुको एक मिनट, तुम फालतू में टेंशन लेकर चिल्ला रही हो। मेरे डैडी ने जैसे शादी के लिए मजबूर किया वैसा मैं नहीं करूंगा। अगर शादी नहीं करनी है तो तुम मना कर सकती हो और वापस जाकर डैडी की पीए का काम संभाल सकती हो। क्योंकि मैं आपकी कंपनी में काम करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी और आपके पिता की हर नाजायज मांग पूरी करूँ। मुसीबत में हम अपना घर बेच सकते हैं, घर का सामान बेच सकते हैं, लेकिन कितनी भी मुसीबत आने पर हम पैसे के लिए खुद को नहीं बेच सकते। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। इतने बड़े आदमी होकर भी जब आपने कहा कि आप अपने अंडर काम करने वाली लड़की को अपनी बहू बनाएंगे, तब मुझे आपके बड़प्पन पर बहुत फक्र हुआ था। उसी तरह आप अपने बेटे का मन बहलाने के लिए अपनी ऑफिस से एक गरीब लड़की को भेजना चाहते हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। प्रिया, तुम मुझे और जलील मत करो, मैंने तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो फिर ऐसा क्यों किया? आपने ये क्यों नहीं बताया कि आपका बेटा एक ऐसी शादी करना चाहता है जो एक साल के अग्रीमेंट पर टिकी हुई है? संसार में किसी भी बाप ने ऐसी मुसीबत नहीं झेली होगी, तुम्हें क्या बताऊं, वो अपनी माँ की कमी महसूस ना करे, इसलिए मैंने उसे पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। लेकिन अपने देश में न रहने की वजह से वो अपनी संस्कृति से दूर चला गया है। उसे ये भी नहीं मालूम कि एक मामूली धागे में और मंगलसूत्र में जमीन आसमान का फर्क होता है। उसके लिए मंगलसूत्र एक धागा है, जिस धागे को जब मन करे तब पहन लो और जब मन करे उतार दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे शादी के लिए कैसे मनाऊं, सही गलत दोनों का फर्क कैसे समझाऊं। माँ भी तो नहीं है जो उसे समझाए। तभी तुम मुझे देखी, अगर तुम उसकी बीवी बन जाओ तो उसे सुधारने के लिए एक साल नहीं, बस एक मिनट काफी है। इसलिए मैंने तुम्हें एग्रीमेंट के बारे में नहीं बताया। मुझे यूज किया, मेरी गरीबी का फायदा उठाया, अपने बेटे के लिए मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। एक साल के लिए आपके अमीर बेटे की रखेल बनने से बेहतर है कि मैं कहीं जाकर आत्महत्या कर लूं। मैं जा रही हूं सर। थैंक यू सर। दीदी, मैं
नाराज मत होना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, मुझे माफ कर दो। जयंती, ये क्या कर दिया तूने? पहले से इतनी प्रॉब्लम चल रही पता है ना, और तूने कल मुही कुलक्ष्मी, ये तूने क्या किया? मैंने इसे छोड़ो, क्या कर रही हो तुम, लोगों को पता चल जाएगा। इसने ऐसी गलती की है कि समाज में छुप नहीं सकती। ये सब तेरी वजह से हुआ है। खुद तो ससुराल से आ गई और छोटी बहन को भी बिगाड़ दिया, कब पीछा छोड़ेगी? और ये शादी हुई नहीं और उससे पहले ही गर्भवती हो गई है। मर क्यों नहीं जाती, तब जाके मुझे शांति मिलेगी। दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। शंकर, दीदी दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दरवाजा खोलो, दीदी अरे अरे हटो, मैं दरवाजा तोड़ती हूँ। लो मैं तोड़ता हूँ। दीदी, मोहन, अच्छा वो मैरिज हॉल जो तुमने बुक किया था ना, उसे जाकर कैंसिल कर दो। आओ बेटा, कोई खास बात है? ये रेजिग्नेशन लेटर देने आई हूँ। मैं अपनी गलती की माफी तो मांग चुका हूँ ना। विश्वनाथ जी की बहू अगर अपने ही ऑफिस में नौकरी करेगी तो लोग आपको बेवकूफ और गधा कहेंगे ना। इसीलिए रिजाइन कर रही हूँ। यू मीन शादी के लिए तैयार हो तुम? जी। याहू, आई एम सॉरी, रिलैक्स, जरा रुको, एक सेकंड। मोहन, रहने दे यार, तूने बुकिंग कैंसिल तो नहीं की ना? सुन, कंफर्म कर दे, डबल कंफर्म, फुल पेमेंट दे दे, शादी पक्की। अरे वो, अरे बाप रे, जीजू आ गए, चलो। आप जरा बाहर जाएंगे, मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। चलो 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 बाहर चलो। अच्छी लग रही हो। कुछ खास बात नहीं, बस वो अग्रीमेंट पेपर पर साइन चाहिए था। अगर सब सही है तो बस साइन कर दो। हे भगवान, दुनिया में मैं ऐसी पहली लड़की होंगी जो शादी करने से पहले अपने डिवोर्स पेपर पर साइन करी। ऐसा ईश्वर किसी दुश्मन के साथ ही न करे। डैड, ये कैसा कॉस्ट्यूम दिया है मुझे पहनने के लिए? जितना ऊपर रख रहा हूं उतना ही नीचे सरकता जा रहा है। क्या एडजस्ट कर लूं? डैड, आप और क्या क्या एडजस्टमेंट करवाएंगे? डैड, बेडरूम में किसी ने मिठाई की दुकान खोल दी है। क्या कह रहे हैं, ये सब मेरे लिए? डैड, इतनी मिठाई खाऊंगा तो सुबह तक डायबिटीज से मर जाऊंगा। आपको फर्क नहीं पड़ता डैड? ये क्या है, ड्रिंक्स है? ना ना ना, दूध। पर क्यों? पीने के लिए। ये अच्छा है, डैड ने खाने के लिए मिठाई भेजी है, तुम पीने के लिए दूध लेकर आई हो। लगता है आज मुझे खिला पिला कर ही मार दोगे। ए, धोती मत खींचना, ये खुल जाती है। खींचूंगी नहीं, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओह, तुमने धोती को छुआ तो मुझे टेंशन हो गया, क्योंकि मैंने अंदर शॉर्ट्स भी नहीं पहनी है। अगर आशीर्वाद चाहिए तो अपने माँ बाप से लो, मेरे डैड से लो, चाहिए तो भगवान से ले लो। जमीन को छूकर हाथ गंदे हो जाएंगे। उठो उठो, उठ जा। पर आज से आप ही मेरे भगवान हैं। कैसी फिल्मी बातें कर रही हो तुम। आशीर्वाद दीजिए कि हम 100 साल तक एक साथ रहें। 100 साल के लिए? मेरे लिए एक ही साल भारी है। 100 साल तक जियो, उठ जा। हाँ ओके ओके,
देखो इस तरह गिर पड़ के मेरे पैर मत छूना, खासकर जब मैंने लुंगी पहनी हो। इसे गिरना पड़ना नहीं कहते, ये तो हमारा रिवाज है। अच्छा ऐसा है, ये कंपलसरी होता है? पर मुझे तो किसी ने नहीं बताया। थोड़ा पीछे हटना, पीछे हटना। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पैर की छू रहे हैं। तुम्हारा गिरना पड़ना अगर रिवाज है तो मेरा गिरना पड़ना भी रिवाज ही हुआ ना। आप खड़े हो जाइए प्लीज। पहले मुझे आशीर्वाद दो, मैं भी 100 साल जीना चाहता हूँ। सुनिए खड़े हो जाइए। अच्छा तुमने अपने लिए 100 साल का आशीर्वाद मांग लिया और मैं मांग रहा हूँ तो मुकर रही हो? कैसी सेल्फिश लड़की। पहले आप खड़े हो जाइए प्लीज। ये एक तरफा रूल्स नहीं चलेंगे। क्या जी, ऐसा नहीं होता। अब मैं आपकी पत्नी बन चुकी हूँ, इसीलिए आपके पैर छूना मेरा धर्म बनता है। समझ में नहीं आता हमारे देश में ऐसा क्यों है। यहाँ पति को भगवान और बीवी को नौकरानी बना कर रखते हैं। मुझे ये पसंद नहीं। तुम जैसे जीना चाहती हो जियो, और मैं अपने तरीके से जीऊंगा। हाय पीटर, हाउ आर यू? जस्ट अ मिनट, अमेरिका से एक दोस्त का फोन है, तुम आराम से सो जाओ। ओके गुड कॉफी। सर नहीं, पापा कहो मुझे। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफी। सॉरी, कॉफी पीने की आदत नहीं है मुझे। तो क्या दूध दूं? मैं तो यूजुअली शैंपेन लेता हूँ। शैंपेन एक स्मॉल पैक बनाकर लाओगी? सॉरी प्रिया। ये देना जरा। वाह, इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है। तो फिर आज से कॉफी पिया करूंगा। ये क्या रामू काका, क्या हो गया आपको? क्या हुआ? ब्रेकफास्ट इतना टेस्टी लग रहा है आज। अरे विजय, ब्रेकफास्ट रामू ने नहीं, बहू ने बनाया है। खाना बनाना भी जानती हो? मैंने तो सोचा ही नहीं था। प्रिया, मैंने इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट पहले कभी नहीं खाया। बहुत बढ़िया है। अगर ऐसे ही खाता रहा तो मैं भी डैड जैसा बन जाऊंगा, टेडी बेयर। ये सिर्फ खाना बनाने में ही नहीं, बिहेवियर में, सिंसियरिटी में, हर काम में ये लड़की नंबर वन है। इसलिए तो मैंने इसे अपने बहू के लिए सेलेक्ट किया है। तब तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने हमारी शादी करवा के प्रिया का बढ़िया टैलेंट वेस्ट कर दिया। प्रिया अगर अमेरिका गई होती ना डैड, तो किसी 5-स्टार होटल में हेड शेफ तो बन ही गई होती। आपने तो प्रिया का फ्यूचर स्पॉइल कर दिया। ए, तमीज से बात कर। क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मैंने क्या कह दिया? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर हम 3-स्टार होटल खोल दें तो प्रिया हेड शेफ की नौकरी जरूर संभाल सकती है, बिजनेस भी अच्छा होगा। क्यों प्रिया, मैं सही कह रहा हूँ ना? बताओ डैडी को। शादी के बाद भी ठरकी बना गया नहीं, बहुत मस्ती है तेरे में। और तेरी मस्ती का क्या? काय की मस्ती, बैचलर हूँ, अपने हाथों की लकीरों को खुद मिटता हुआ देख रहा हूँ मैं। मैं देख रहा था तुम क्या कर रहे थे। तुम बोलिंग के बहाने वहाँ पर फील्डिंग कर रहे थे, सारी बोतलें गिरा दी और उसे इम्प्रेस कर दिया, फिर ताली देकर उसे बहाने से टच भी कर लिया। क्या बकवास कर रहा तू? अंधा नहीं हूँ मैं। Hey Vijay, यही सोने का लेके पैदा हुआ है, चल चल, सब इसी के पास आती है। How are you? Fine. बारो बस करो, देवदास जा रहा है। ए, क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ, चंद्रमुखी मेरे दिल का ख्याल रखेगी। पारो को किसी और के साथ देखकर मेरा दिल खोल जाता है। मैं चुन्नी बाबू के साथ जा रहा हूँ। पूरी कहानी तो सुन के जा। कैसी कहानी? ये तुझ पे फिदा हो गई है। जरा फिर से बोलना। अरे ये तुझे बहुत पसंद करती है। सिगरेट प्लीज, सिगरेट। थैंक यू। वैसे सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। अच्छा वैसे विजय, तू टेंशन मत ले, मुझे पहले से मालूम था कि मेरी किस्मत चमकने वाली है। हाय, मेरा भी चांदी का चम्मच। विजय, जब मैं पैदा हुआ था ना, तब मेरे आजू बाजू हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां थी। यहाँ तक कि जब मैं नर्सरी में गया, जब मैं स्कूल गया, जब कॉलेज गया, हमेशा लड़कियां मेरा पीछा करती रहती।
उन्होंने मुझे पटाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं किसी से पटा नहीं, लेकिन आज इससे पट गया। चल इसे मेरी शादी की कंडीशंस बता दे। तेरी कंडीशन तो मैं बता दूंगा, पहले इसकी कंडीशन तो सुन ले। ऑफ कोर्स लेडीज ऑलवेज फर्स्ट, इसके लिए कुछ भी। ये नेदरलैंड देश के रहने वाले, वहाँ का दूध फेमस है। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से अब ये माँ बनने वाली है। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे ये माँ नहीं वहाँ की प्रेसिडेंट बनने वाली हो। अरे तू बात तो सुन ले। अब और क्या सुनना बाकी है? अब इसे अपने बच्चे के लिए एक इंडियन बाप चाहिए। इंडियन बाप? तू बस इसके साथ शादी के लिए राजी हो जा। इसके लिए ये तुझे पैसे भी दे सकती है। पैसा? विजय यार क्या मैं लगता हूँ तुझे ऐसा वैसा? मैं तो तुझे अपना सच्चा दोस्त और इसे अपना सच्चा प्यार समझा, लेकिन तू मुझे एक लीटर दूध के साथ 250 ग्राम दही दे रहा था। मेरे दिमाग की तो दूध दही हो गई। ए ए विजय, तुझे पता है जब जब किसी लड़की ने मेरा दिल तोड़ा है बस और बस इसी ने मेरा साथ दिया है। मैं टूटा हुआ दिल लेकर जी सकता हूँ, भरी हुई गोद नहीं यार। सॉरी, ही इज नॉट विलिंग टू। व्हाई डोंट यू कम आउट ऑन अ डेट विद मी? नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करो। विजय इससे कह दो कि मुझे रक्षाबंधन के दिन आकर मिलना, मैं भैया बनकर इसके बच्चे को पाल सकता हूँ, पर सैया बनकर तो हरगिज नहीं। कमिटमेंट देने के बाद मैं पीछे नहीं हटता। मजा किसी और का, सजा किसी और को। क्या हुआ तुम्हें, यहाँ क्यों सो रही हो? सॉरी, बैठे बैठे आंख लग गई थी। चलिए खा लीजिए। क्या कहा? खाना खा लूं? दो दो बार? जानती हो कितने बजे हैं? 12 o'clock। खाना नहीं खाता हूँ तो एसिडिटी हो जाती है। मैंने डिनर कर लिया। प्रिया जी, तुमने खा लिया? आपके खाए बिना मैं कैसे खा लेती? ये कैसी पागलों जैसी बात है? जैसे शादी से पहले खाती थी वैसे अभी खाया करो। पर हमारे यहाँ का तो रिवाज है कि पत्नी पति से पहले नहीं खाती। अरे रे 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 रे, ये रिवाज बनाता कौन है यार? अगर मुझसे पहले खा लोगी तो क्या खाना पचेगा नहीं? देखो प्रिया, इस देश की बदकिस्मती यही है, आदमी और औरत के लिए अलग अलग रूल्स बना के लोग उसे संस्कार कहते हैं। ऐसे रिवाज मत फॉलो करो, तुम खाना खा लो। पर अब भूख नहीं है। चलो चलो चलकर बैठो बैठो, ठीक से बैठो। अब खाओ। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देखो प्रिया, ये मत समझना कि मैं नशे में बोल रहा हूँ। तुम सुबह भी पूछोगी तो भी यही कहूंगा। खाना खाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि पति मौजूद रहे, जरूरी है भूख और अच्छा खाना। अब खाओ खाओ। प्रिया मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम खाना खा लेना। हे, बैठो बैठो, बैठ जाओ, ये सब खत्म होना चाहिए। मैं कल सुबह चेक करूंगा। ओके, गुड नाइट प्रिया, विद ड्रीम्स। हेलो, नमस्ते बहन जी, कैसी हो बेटा? अब ठीक हूँ अंकल। लेटी रहो, आराम करो, यू'ल बी ऑल राइट। थैंक्स अंकल। थैंक्स? थैंक्स का हकदार मैं नहीं, थैंक्स कहना ही है तो प्रिया को कहो। बैठ जाओ। मैं ठीक हूँ सर। प्लीज बैठ जाओ शंकर, वंडरफुल, तुम्हारे रिकॉर्ड्स बड़े अच्छे हैं। थैंक यू सर। तुम्हें पीए के लिए अपॉइंट करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शंकर। ये हल्दी ले जाकर पंडित जी को दे दो, ठीक है? प्रिया सुनना, अरे वाह, गजरा, वो भी चमेली का, दिल की साड़ी, बालों में गजरा, कानों में झुमका, अमीर पति, तेरी लाइफ तो उल्टू सेट हो गई। अब उनको सेट करना, मेरे दोस्त का कमरा खाली है। ए, तमीज से बात करो। रुक तो रानी, बिस्तर में उस दुबले पतले से 7 times ज्यादा मजा अपुन तेरे को दे सकता है। अपुन के साथ एक रात आ जा।
गुंडा गुंडा ही रहेगा। ओम वक्त ए, गुंडा नहीं मैं। सूर्य को सर्व निर्विघ्नम सर्वमेव सर्वकार्येषु सर्वदा। अरे पंडित जी आप अपना मंत्र चालू रखिए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। सर्व मंगल। बैठिए बैठिए आप लोग बैठ जाइए। बस एक मिनट डैड। अरे विजय सब लोग आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू बेटी। बैठो बैठो ना। अरे मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था कि विजय की सूखी हड्डियों में इतनी ताकत है। जैसे ही उस ट्रक ड्राइवर ने तुम्हें छेड़ा उसकी धुलाई शुरू हो गई। जिसे हम प्यार करते हैं उसी के लिए हेलो सुनिए ससुर जी बहू को क्या झूठ बोला जा रहा है। बैठो बैठो। अरे इसमें झूठ क्या है, ये सच बात ही तो है। डैड तुमसे सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर किसी अनजान लड़की के साथ बदतमीजी होती तो भी मैं यही करता। कैसी बात कर रहा है? मैं औरतों के बारे में बात कर रहा हूँ। आप प्यार की कहानी सुनाकर प्रिया को कंफ्यूज कर रहे हैं। प्रिया डैड की बात पर बिल्कुल यकीन मत करना। प्यार व्यार कुछ नहीं है। अंकल प्रिया से बात करनी थी। प्रिया जी बाबा। फोन है तुम्हारे घर से। कौन है? तुम्हारी बहन कविता का फोन है। एक मिनट देता हूँ। ऐसे कैसे बात करोगी? ये लो। सॉरी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू दीदी। थैंक यू किस लिए? कोई खास बात है क्या? पापा आज मेरा बर्थडे है इसीलिए विश किया। क्या बात कर रही हो, आज तुम्हारा बर्थडे है और तुमने बताया भी नहीं। ठीक है चलो पहले बात कर लो। मैं और जयंती बाहर जा रहे हैं, तुम घर आ सकती हो? ओ ऐसी बात है, ठीक है आती हूँ। हद हो गई, अगर ये बात तुमने पहले बताई होती तो इसे शानदार तरीके से मनाया जाता। क्या हुआ डैड, क्या सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं आप? बेटा बड़े सही टाइम पे आया है तू, आज तेरी बेबी का बर्थडे है और इसने हमें बताया तक नहीं। ओह हैप्पी बर्थडे। ओके मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। विजय विजय तो एक काम कर, आज के अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके शाम को बहू को घुमाने ले जा। अरे डैड मेरे अपने प्रोग्राम भी तो जरूरी है, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारी बीवी इम्पोर्टेंट है या दोस्त? प्रिया को मैं यही कुछ 5-6 महीनों से जानता हूँ, पर चंदू को तो मैं उसे तो मैं बचपन से जानता हूँ डैड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए और प्रिया को घुमा ले आइए। बाय। ये भी उल्लू का पट्टा ही है, ये मेरे जन्मदिन पे मुझे छोड़कर अपने दोस्तों के साथ भटकता रहा था। आधी रात को आया और हैप्पी बर्थडे कह के मुझे मना लिया। अब इसकी आदतें ही कुछ ऐसी हैं, वैसे दिल का बुरा नहीं है। मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। गॉड ब्लेस यू, सौभाग्यवती रहो। पापा मेरी बहनें घर से बाहर जा रही हैं, मैं अपनी माँ के पास हो आऊं? तुम्हें कहीं जाने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत है क्या? एंजॉय योर बर्थडे। गॉड ब्लेस यू। अरे इसकी क्या जरूरत है, खुश रहो। थैंक यू पापा, ऑल द बेस्ट। बारह बज चुके हैं, प्रिया अभी तक नहीं आई। रामू वो सो गया क्या? रूम की लाइट तो जल रही है, शायद जाग रहा है। पापा हा? तुम्हें देर कैसे हो गई, कम से कम फोन तो। जरा धीरे बोल। आओ बेटा। क्या हुआ पापा, वो घर आ गए? वैसे तो रोज देर से आता था, आज जल्दी आ गया। जब उसे पता चला कि तुम नहीं हो तब से वो टेंशन में बैठा है। अब एक बार पूछो, अब तक तुम कहाँ थी? ये मैं नहीं वो तुमसे चिल्लाकर पूछेगा, तब उससे कहना कि तुम मुझे बताकर अपनी माँ से मिलने अपने घर गई थी। रुको, ये आधी रात को कहां से घूम कर आ रही हो तुम? घर को तुमने होटल समझ रखा है? किससे मिलने गई थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दो, कहां थी तुम? मेरी बहनें
आज बाहर गई हुई थी, इसलिए अपनी माँ के पास चली गई थी। पापा पापा से कहकर गई थी कि माँ के पास जा रही हूँ, और किसी से मिलने नहीं गई थी। आप मुझे गलत मत समझिए। हेलो, ओए सुनो, यहाँ आओ, बैठो। मैंने जरा सी ऊंची आवाज में क्या बोल दिया, तुम तो कांपने लगी। कैसे कर रही थी, कैसे कैसे कैसे? बहने, मेरी बहन के यहाँ गई थी, इसीलिए आने में लेट हो गया। पापा को बता कर गई थी, किसी से मिलने नहीं गई थी। मुझे गलत मत समझिए, मुझे गलत। कैसी पागल हो तुम। आपने मुझ पर कोई शक तो नहीं किया ना? कितनी बार मैं लेट आया हूँ, कभी कभी तो आता ही नहीं हूँ, तो क्या तुमने मुझ पर कभी शक किया? नहीं ना, तो मैं तुम पर शक कैसे कर सकता हूँ? देखो प्रिया, मैं नहीं जानता तुम्हें खुद पर यकीन है या नहीं, पर मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ठीक है, खाना खा लिया? ठीक है, सो जाओ, गुड नाइट। बहू, उसने तुम्हें मारा क्या? उसने तुम्हें डांटा? फिर रो क्यों रही हो? हम अब तक उनकी अच्छाइयों को पहचान नहीं पाए पापा, नहीं जान पाए। मैं अपनी जिंदगी का सिर्फ एक ही साल उनके साथ नहीं बिताना चाहती। काश मेरा और उनका साथ उम्र भर का हो पापा, भगवान करे। हेलो। हाँ मोहन, बोलो क्या बात है? क्या कहा? कंटेनर ड्राइवर स्ट्राइक कर रहे हैं, उनसे बात करके खुद ही सॉल्व कर लो मोहन, उन्हें एक दिन की छुट्टी दे दो। अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो तुम्हें मैनेजर क्यों रखा है? ठीक है, फोन रखो, मैं आता हूँ। कहा ना, मैं आ रहा हूँ। हेलो। हेलो। अरे आज कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है? जाऊं भी तो कहाँ, वही क्लब, वही बार, वही डिस्कोथेक, जा जाकर बोर हो गया हूँ। इस कंट्री में टाइम पास के लिए कोई जगह ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ वक्त बिताने के लिए बहुत सी जगह है, वहाँ जाके तो देखिए। ऐसी कौन सी जगह है? बार और क्लब के अलावा और भी जगह है। यहाँ पर आपकी फैक्ट्री और बिजनेस है, वहाँ हो आइए। डेली डैडी अकेले ऑफिस जाते हैं, अगर आप साथ जाएंगे फैक्ट्री में घूमना हो जाएगा, बिजनेस का भी पता चल जाएगा और आपका टाइम भी पास हो जाएगा। आइडिया अच्छा है। सीधे सीधे कह देती डैड के साथ ऑफिस जाओ, ये घुमा घुमा के बातें क्यों करती हो? मैं जानता था बीवियां ऐसे ही सलाह देती हैं, इसीलिए तो मैं शादी नहीं करना चाहता था। ना ना, मैं आपकी बीवी थोड़ी हूँ। बीवी नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं, सिर्फ दोस्त, ऐसा आप ही ने तो मुझसे कहा था ना। ये आपकी फैक्ट्री है, आपका बिजनेस है, जाना ना जाना आपकी मर्जी। जूस पी लो। प्रिया, मेरे कपड़ों के साथ ये क्या कर रही हो तुम? ब्लू कलर मेरा फेवरेट कलर है और आप पर सूट भी बहुत करेगा, प्लीज इसे पहनिए ना। क्या है ये, स्कूल का यूनिफॉर्म लग रहा है, मैं नहीं पहनूंगा। पहनिए ना प्लीज, आप पर बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो उतार देना, ट्राई तो कीजिए प्लीज। रहने दो ना प्रिया, अगर तुम्हें ये कलर अच्छा लगता है तो अपने लिए इस कलर के कपड़े सिलवा लो, जबरदस्ती मुझे क्यों पहना रही हो। अपुन, तेरा धोपड़ा पहली बार इस ऑफिस में देखा है, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मेरी ताकत क्या है और मेरे यूनियन की ताकत क्या है। मैं सेवन टाइम्स यूनियन लीडर रह चुका हूँ। तेरी जगह यहाँ नहीं, बार और क्लब के अंदर है। तुम बोलो तो अभी जाके तुम्हारे बाप से बात करूं। ए, अपना मुंह बंद रख, पता है किससे बात कर रहा है? अभी से बात कर। अंकल, कितने कंटेनर है इसके कंट्रोल में? इसके पास 50 कंटेनर तो होंगे ही, इसलिए ये सर पे चढ़ रहा है। आज ही इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए और नए कंटेनर खरीद लीजिए। अब देखिए, नए कंटेनर लेने से उसकी मेंटेनेंस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, मैं सर से बात करके इसकी प्रॉब्लम संभाल लूंगा, आप चिंता ना करें। ओके अंकल, जरा कैलकुलेशन कीजिए, हम इसे पर मंथ कितना रेंट देते हैं? पर मंथ हम
15 लाख तो देते ही हैं। पर मंथ 15 लाख, मतलब एक साल में हम 1,80,00,000 रुपए ट्रांसपोर्ट पर खर्च करते हैं। इससे तो अच्छा हम खुद के लिए नए कंटेनर्स खरीद लें, फिर ऐसे फालतू लोगों के साथ डील भी नहीं करना पड़ेगा। नए कंटेनर तो खरीद लोगे, लेकिन चलाने के लिए तेरे पास लाइसेंस है क्या? इतनी गर्दन हिलाओगे तो लचक जाएगी। अब से हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। निकलो। 7 times, बस 7 times, 7 times। पहले तू निकल। Get out ऐसे ही। ये बहुत भारी पड़ेगा। जब निकले यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ ना। देख लूँगा। वापस आऊँगा। Very good. I'm proud of you. Sorry dad, आपसे पूछे बगैर नए कंटेनर्स का ऑर्डर दे दिया मैंने तो। बेटे, इतने दिनों से मैं भी यही चाह रहा था कि तुम अपना ये बिजनेस संभाल लो, तो इसमें नई जान आ जाएगी। Now I can take rest. और बेटे कल से, अरे नहीं नहीं, आज से ही तुम इस ऑफिस के MD हो। बाय। इतनी जल्दी मुझे MD मत बनाइए, इतनी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल पाऊंगा। डैड, मैं पीता तो नहीं हूँ, पर आज तुम्हारे कहने पर ले लूंगा, क्योंकि हमारे कहने पर तुम MD बन गए। डैड, तब तो रहने ही दीजिए। विजय, Cheers. अबे ये क्या कर रहा है तू? जरा ठीक से पीना। थोड़ी थोड़ी करके पियूंगा ना, मैं कोई शराबी थोड़ी ना हूँ। हाँ, लेकिन अगर तू शर्त लगाता है तो मैं तुझे दिखा सकता हूँ कि कैसे मैं बोतल खाली कर सकता हूँ, वो भी बॉटम से। अचार क्यों चाट रहा है? कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा था। अचार खा के सारे विचार बदल जाते हैं। मैं जरा हल्का होके आता हूँ। ए, टॉयलेट उस तरफ है। टॉयलेट में तो इंसान जाते है, शेर खुले में जाता है, समझा क्या? क्या मतलब? पेड़ पौधों के बारे में भी तो सोच, ग्लोबल वार्मिंग। तो सब देसी चीजें सिखाते। बाप रे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बस एक चुम्मा। क्या कहा? चुम्मा? बेशरम, अगर ये जबरदस्ती कर रहा है तो बताइए। नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है रवि। रवि? पिछले हफ्ते तो झाड़ी के पीछे से प्रद्युमन निकला था। ये प्रद्युमन कौन है? CID का ACP प्रद्युमन। तू काम पर लग। क्या जमाना आ गया, मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं, ये लोग कितने सारे बॉयफ्रेंड लेके घूमते हैं। यहाँ करता हूँ। अरे यहाँ भी एक कपल है, हर जगह कपल है, लेकिन मैं ही साला सिंगल हूँ। लगता है कि मैं रंडवा ही मर जाऊंगा। सुनिए जी। बोलो, क्या बात है? आज यही कामराज मेमोरियल हॉल में अनुराधा पौडवाल का एक म्यूजिक प्रोग्राम हो रहा है, अगर आप जल्दी आ जाएंगे तो हम साथ चलेंगे। मूड नहीं है, तुम जाओ ना। सुनिए ना, मुझे उनके गाने बहुत पसंद है, मुझे आपका आधा घंटा चाहिए, बस आधे घंटे के लिए आ जाइए प्लीज। देखो मैं नहीं आ सकता, तुम डैड के साथ चली जाओ। प्लीज मुझे फोर्स मत करो, ओके? स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ है, कुछ दिन चलने में तकलीफ होगी, देखभाल यहीं करेंगे या फिर घर ले जाएंगे? नहीं नहीं, यहीं रखिए। नहीं पापा, नहीं, यहाँ नहीं, इन्हें हम घर ले चलेंगे, मैं इनकी देखभाल करूंगी। नहीं बेटा, प्लीज पापा, प्लीज। ओके बेटी, मैं फीलिंग समझता हूँ, डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर दें, हम घर ले जाएंगे। जैसा आप चाहें। थैंक यू। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुनिए, दवाई छिड़क के पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं क्या? आज आपकी शादी की सालगिरह है, इसलिए आपकी और आपकी पत्नी की भलाई के लिए आपके पिताजी ने पूजा करवाई है। ओम शांति। आज मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए ऑफिस नहीं आ सकता। बार बार फोन कर कर मुझे तंग मत करो। तुमसे कहा था ना माला तैयार रखना। चंदू को भेजा लाने के लिए। चंदू को? हमारी शादी इतनी धूमधाम से करवाई थी, तो फिर आज कंजूसी क्यों? आप किसी बड़े होटल या लॉन में ये फंक्शन रखवाते, ऐसे ही घर में ये सिंपल फंक्शन। एग्जैक्टली, मैंने भी यही सोचा था जैसा तू सोच रहा है कि किसी 5-star होटल में फंक्शन रखा जाए। अगर वहाँ किया तो तुम ही कहते कि क्या रेडी, इस पर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, आप घर पर भी तो कर सकते थे, सादा सिंपल, इसीलिए यहाँ किया। डैड अग्रीमेंट पूरा करके प्रिया आज अपने घर जाने वाली है, उसकी विदाई का फंक्शन है, धूमधाम से ही होना चाहिए।
जितनी शान से आप प्रिया को इस घर में लेकर आए थे वैसे ही आज विदा कीजिए। देख बेटे, आज तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तुम्हें खुश होना चाहिए। कहाँ तू उस एक साल के अग्रीमेंट के चक्कर में पड़ा है, अरे फाड़ के फेंक दे उसे। आपने मजाक समझा, पर प्रिया के सिग्नेचर के साथ साथ आपके भी लेने चाहिए थे। आप इस अग्रीमेंट के बारे में पहले से जानते थे, अब आप पलट क्यों रहे हैं? नहीं, मैं उस फालतू के अग्रीमेंट के लिए इसलिए तैयार हो गया था कि प्रिया तुम्हें प्यार करना सिखाएगी। तुम मेरे पास आओगे और कहोगे कि डैड, प्रिया मुझे इसी जन्म में ही नहीं बल्कि अगले 7 जन्मों तक अपनी पत्नी के रूप में चाहिए। अब इन 7 जन्मों के फेरे में तुम्हारा ये अग्रीमेंट कहां से चला आया? अब तुम उसे वापस भेज रहे हो, ये तुम्हें क्या हो गया है? What's wrong with you, विजय? उस लड़की में कभी क्या है? डैड, डैड, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि प्रिया समझदार है, दिल की साफ है, उसमें कोई कमी नहीं है, पर मैंने कभी एक पल के लिए भी उसे पत्नी जैसा नहीं माना डैड। अरे, तुमने उसके साथ 1 साल गुजारा है फिर भी उसे अपनी बीवी नहीं मानते, आखिर इसकी वजह तो बताओ। इसकी वजह तो मैं भी नहीं जानता हूँ डैड, पर इस रिश्ते को जिंदगी भर निभाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। लोग झगड़ों की वजह से बीवी से अलग होते हैं, शक की बुनियाद पर अपनी बीवी को छोड़ते हैं, पर तुम अकेले हो जिसके पास अलग होने की कोई वजह नहीं है और तुम्हारे जैसा दूसरा कोई होगा भी नहीं। देख विजय, 1 साल, पूरे 365 दिन और दिन के 24 घंटे जिसके दिमाग में तुम्हारे अलावा किसी और आदमी का ख्याल भी नहीं आया हो, उसे तुम जस्ट लाइक दैट कितनी आसानी से उसे घर से बाहर भेज देना चाहते हो, तुम्हारे दिल को जरा भी दुख नहीं हो रहा? आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स डैड, हमारे अग्रीमेंट के मुताबिक प्रिया अपने घर जा रही है, इसमें मैं क्यों दुखी होने लगा? जिसमें फीलिंग ना हो वो मुर्दा होता है, डेड बॉडी जैसा। आज तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, पता नहीं मैंने क्या पाप किए होंगे जब तुम जैसा बेटा पैदा हुआ। विजय, दुनिया में चाहे जितना बड़ा भी जुर्म कर लो उसकी सजा से बच सकते हो, लेकिन लेकिन इस बेगुनाह लड़की का दिल दुखाकर तुम नर्क भोगोगे। सिर्फ तुम ही नहीं मैं भी, हमारा नामो निशान मिट जाएगा। देख विजय, इसे अपने घर से बाहर मत निकाल, मैं भीख मांगता हूं, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आप बिना बात के कोई टेंशन लेंगे तो मुझे भी टेंशन हो जाएगी। देखिए, आप कुछ ज्यादा इमोशनल हो गए, हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, आप आराम कीजिए। विजय, समझदारी से काम ले। सुनिए जी, वो आज हमारा एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, तो जब भी आप कहें मैं आपके इस घर से अपने मायके चली जाऊंगी। थैंक्स प्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने सोचा कि तुम भी डैड की तरह ना जाने के लिए अड़ी रहोगी, पर एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो। थैंक्स, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो फिर हाँ, मैं चलती हूं। ओके ओके। ओ प्रिया, तुम्हें इस घर से जो भी ले जाना हो ना तुम ले जा सकती हो, बेझिझक। ओके, अब देखो अपनी कोई चीज भूल मत जाना, जाओ तुम तैयार हो जाओ। काका, ये बीबी की दवा पापा को देते रहना रात के खाने के बाद, जब भी वो रात को ड्राइव करें हमेशा उनके साथ रहना। जी। मैं जा रही हूँ सर। सर नहीं बेटे, पापा। अग्रीमेंट के मुताबिक अब मैं आपकी बहू नहीं रही सर, तो भला मैं आपको पापा कैसे बुला सकती हूँ? I'm sorry. आपकी परमिशन हो तो मैं इस मंगलसूत्र को साथ ले जाऊं। बेटा, प्लीज सर। बेटा, आशीर्वाद। खुश रहे बेटा, खुश रहे। प्रिया,
मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। डैड मैं रात को देर से आऊंगा। प्रिया देखो ना, टाइम कितनी तेजी से गुजर गया और देखते ही देखते हमारी शादी को भी एक साल पूरा हो गया। पर इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। प्रिया तुम मेरी बीवी की तरह बहुत कम वक्त के लिए रही, पर हमारी फ्रेंडशिप हमेशा के लिए रहेगी, मेरा वादा है। प्रिया क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम रोज जितनी खुश लगती हो उतनी खुश नहीं लग रही। किसी ने कुछ कहा? तबीयत खराब है? तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं मैं? यही यही प्रिया, तुम्हारी स्माइल मिस कर रहा था, अब ठीक है, चलता हूं। और प्रिया देर रात तक भूखी रहकर तुम मेरा इंतजार मत करना, खाना खा लेना, आज के बाद मैं नहीं आऊंगा, अपना ख्याल रखना। प्रिया दामाद जी घर में क्यों नहीं आए? ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू, वो भी आज के दिन? आज सिर्फ मेरी शादी की सालगिरह नहीं है माँ, बल्कि उनके साथ मेरा आखिरी दिन था। ये तुम क्या कह रही हो? उन्होंने मुझे सिर्फ एक साल के लिए बीवी बनाने का एग्रीमेंट किया था। एक साल की शादी? ये कोई नया फैशन है शादी करना? उसने कोई मजाक समझ लिया था क्या? कुछ नहीं रहा माँ, सब कुछ खत्म हो गया माँ। आज से मैं सिर्फ तुम्हारी तुम्हारी बेटी ही हूँ, किसी की बीवी नहीं मैं। कॉफी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफी ठंडी हो जाएगी। ये क्या है? बिल्कुल गर्म पानी लगता है। प्रिया की बनाई कॉफी टेस्ट नहीं किया आपने? इसमें उसका टेस्ट नहीं है। तो मैं क्या करूं? अगर मैं अच्छी कॉफी नहीं बना सकता, तुम्हें संभाल नहीं सकता, तो अपनी बीवी को ले आओ। क्या कहा? तुमने प्रिया को मायके क्यों भेजा? प्लीज आप ये ले जाइए। मेरी कॉफी तो गर्म पानी जैसी लगती है ना, तो मुझे भी घर वापस भेज दो। जब प्रिया को अपने घर वापस जाने में कोई एतराज नहीं था तो इन्हें इतनी तकलीफ क्यों? डैड डैड मेरे बाथरूम में हीटर काम नहीं कर रहा है, जरा आकर देखिए। सर मैं आपका बाप हूँ सर, प्लम्बर नहीं। हीटर खराब है, पानी नहीं आता, ये शिकायत यहाँ मत कीजिए। बस हीटर चेक करने के लिए कह दिया तो मुझ पे इतना भड़क रहा है। समथिंग इज रॉन्ग। हाउ आर यू? तुम्हारी याद में जी रही हूँ। हाँ सर, हाँ मैं आ रहा हूँ सर। तुम्हारे डैडी का फोन था, मुझे फैक्ट्री पहुंचना है। अंकल थोड़ी देर तो रुक जाइए, मैं लंच तक आ जाऊंगा। सौम्या तुम विजय के साथ ही रहना। ओके ओके, एंजॉय योरसेल्फ, आई विल बी बैक। ओके यस, इसी की तो जरूरत थी, सुबह से दिमाग खराब हो रहा है। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों बिगड़ा है? डैडी मेरी शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हैं विजय। हमारे इंडियन माँ बाप की यही एक प्रॉब्लम है। तो क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? अभी इतनी जल्दी तो नहीं करना चाहती हूँ। दरअसल मैं शादी में मानती ही नहीं हूँ, शादी के बंधन में बंधकर फ्रीडम ही खत्म हो जाती है। गुड, मेरी भी यही राय है, बिल्कुल मेरी तरह सोचती हो। आई लाइक यू। क्या कहा तुमने? आई लाइक यू यार। हमारी कंपनी की पोजीशन अभी ऐसी है कि हम नए लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। तुम्हारा एक्सपीरियंस देखने के बाद मैं तुम्हें अपॉइंट करता हूँ। थैंक यू सर। वो देख, साड़ी में सती सावित्री आ रही है। साड़ी पहनकर कोई लड़की शरीफ नहीं बन जाती क्या? पैसे के लालच में इसने विश्वनाथ के बेटे के साथ एक साल के एग्रीमेंट वाली शादी की थी। मैं भी ट्राई मारता हूँ, जरा सुनिए तो। तुमने एग्रीमेंट मैरिज किया था, अच्छा तरीका है, मस्त आइडिया है। साला इसमें खर्चा कम और मजा ज्यादा है। वैसे भी लड़की को घुमाने फिराने ले जाओ, सिनेमा दिखाओ और नई जगह ढूंढो, तुम्हारे आइडिया में तो कोई मगजमारी नहीं सच में। अच्छा ये तो बता, छह महीने के एग्रीमेंट का कितना लेगी? और पर मंथ वाला रेट भी बता दे। अरे अपने को तो फरार भी चलेगा। अगर तुम चाहो तो हम सबके लिए एक एक हफ्ता या एक एक दिन फिक्स कर लो, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा क्या? ये गुंडे तो खाली बात करते हैं, मैं काम में विश्वास करता हूँ। चल बोल कितना चाहिए तुझे।
ओ मैडम, ऑटो वाले से दिल भर जाए तो हमारा भी एग्रीमेंट बनवा लेना। अपने दोस्त का घर फुल टाइम खाली रहता है, चाहो तो तुम्हारे घर आ जाएंगे। हाँ मैं विजय बोल रहा हूँ, एक हफ्ते में मेरा अमेरिका जाने का इंतजाम कर दो, और जैसे ही टिकट्स बुक हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। जीजा जी। ए, शंकर, ये आपने क्या कर दिया जीजा जी? क्या हुआ शंकर, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? जीजा जी, हम तो ये सोचकर बहुत खुश थे कि प्रिया से आपने शादी उसका चरित्र देखकर की थी, ना कि उसका स्टेटस देखकर। पर आपने तो एक साल का एग्रीमेंट करके उसको मुसीबत में डाल दिया जीजा जी। आपने तो अमेरिका खेल खेल कर प्रिया को मुसीबत में डाल दिया जीजा जी। हमने आपका क्या बिगाड़ा था? शंकर, शंकर, रिलैक्स, रिलैक्स। मुझे नहीं पता कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस शादी के अग्रीमेंट के बारे में कुछ पता है या नहीं, लेकिन प्रिया सब जानती थी। मैं जानता था कि बाद में ये बात जरूर उठेगी, इसीलिए मैंने प्रिया को सारी बातें समझा दी थी और उससे कहा था कि एक साल के अग्रीमेंट पर अगर वो राजी हो तभी शादी करे, उसकी रजामंदी पर ही हमारी शादी हुई है। पर हम उस अग्रीमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते जीजा जी। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ शंकर, अग्रीमेंट के उस एक साल में मैंने उसे एक रानी की तरह रखा और वो यहाँ खुश भी थी। अग्रीमेंट पूरा होने पर उसने खुद ने कहा कि वो मायके जाना चाहती है, वो मुझे इस हद तक जानती है। पता नहीं क्यों तुम लोग और मेरे डैड इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा सा प्रॉब्लम बनाकर बैठे हो। हाँ, प्रिया के अलावा इस दुनिया में मुझे और कोई नहीं समझता। प्रिया ने ये शादी अपनी खुशी के लिए नहीं की होगी, उसने बहुत ही मजबूर होकर आपकी एग्रीमेंट वाली शादी की होगी। बड़ी बहन का हार्ट प्रॉब्लम था, छोटी बहन की शादी करनी थी, भाई बेरोजगार बैठा था, हमें बचाने के लिए ही शायद उसने मैरिज एग्रीमेंट पर साइन कर दिया होगा। आपके छोड़ने के बाद लोग उसे धंधे वाली समझने लगे हैं जीजा जी। नहीं शंकर, तुम फिर से मुझे गलत समझ रहे हो। आप बिल्कुल गलत नहीं है जीजा जी, पब्लिक गलत है। इस एग्रीमेंट के बारे में जानने के बाद लोग उससे कहने लगे कि एक साल का एग्रीमेंट कर लो, या एक महीने का एग्रीमेंट कर लो, या एक दिन का एग्रीमेंट कर लो, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं जीजा जी। उसे फिर से वापस अपना लीजिए जीजा जी, प्लीज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ जीजा जी। उसे बुला लीजिए प्रिया को जीजा जी। नमस्कार बेटा। नमस्ते। आज बहू साथ नहीं आई? नहीं, वो मायके गई है। अच्छा, ऐसा है? जब तुम अस्पताल में बीमार पड़े थे तो तुम्हारी सेहत के लिए उसने बड़ी कठिन तपस्या की थी जो कोई साधारण नहीं कर सकता, तभी तो तुम जल्दी ठीक हो पाए। ऐसी गुणवती और सेवा करने वाली पत्नी का मिलना तुम्हारा सौभाग्य है बेटा। अगली बार बहू को साथ लाना। साहब, 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 ये मेरी बीबी है। सिग्नल पर भीख मांगते समय किसी ट्रक ने इसे उड़ा दिया साहब। उसी एक्सीडेंट में कमर की हड्डी टूट गई। कुछ मदद कीजिए साहब। अगर हड्डी टूटी है तो इसे हॉस्पिटल में एडमिट करो या फिर दूसरी शादी कर लो। इसे अपनी पीठ पर क्यों घुमा रहे हो? आपने कितनी आसानी से कह दिया। शादी के समय मैंने इसे वचन दिया था कि हर हाल में इसका साथ दूंगा। आपकी भी तो बीबी होगी ना? अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपको क्या लगता साहब, आपकी बीबी आपको छोड़कर चली जाएगी? ए, यारे, यहाँ सड़क पर खड़े होकर भीख मांग रहा है या सांप को सीख दे रहा है? सीख नहीं दे रहा हूँ साहब, पत्नी के बिना किसी का भी संसार अधूरा है। पत्नी केवल पति को ही नहीं उसके पूरे संसार को संभाल कर रखती है, हर सुख दुख में साथ देती है साहब। तो मैं भी अपनी पति के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जो तू कह रहा है वो बिल्कुल सच है, और इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीवियों को छोड़ देते हैं और फिर कहीं और जाकर सुख ढूंढते हैं। छोटे मालिक, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, आप इसे सीरियसली मत लीजिए। धन्यवाद साहब, आपका और आपकी पत्नी का प्यार हमेशा बना रहे साहब। डैड, आप मेरे साथ चलिए, हम प्रिया को लेने जा रहे हैं। डैड, मेरे साथ चलिए, मैं आपसे कह रहा हूं। पहले तो तूने एग्रीमेंट खत्म करके प्रिया को भेज दिया, अब क्या चाहिए? एक आइडिया है, मैंने अभी ऑफिस में एक नई रिसेप्शनिस्ट रखी है, क्या नाम है उसका? हाँ, आशा। अगर तुम चाहो तो मैं उससे पूछूं, इस बार हम एक महीने का एग्रीमेंट बनवाते हैं, पूरे साल के लिए 12 लड़कियां। अरे क्या डैड, वैसे ही मेरे और प्रिया के बीच बने उस अग्रीमेंट को लेकर मैं शर्मिंदा हूँ, और आप फिर से मुझे एक नए अग्रीमेंट के चक्कर में फंसा रहे हैं। काका समझाइए ना इन्हें। अब इसे अक्ल आ गई है,
अब प्रिया बिटिया को वापस लाना चाहता है, तो उसे ले आइए। अरे कुत्ते की दुम्मी कभी सीधी हुई है रामू? प्रिया के लिए इसके दिल में कोई फीलिंग है ही नहीं, यही तो कहा था इसने, तभी तो इसने उसे भेज दिया। तो अब उसे क्यों बुलाना चाहते हो? अचानक उसे प्यार हो गया? ये प्यार मुझे ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हुए भिखारी की आंखों में दिखा है डैड। डैड वो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, वो तो एक वक्त की रोटी का भी मोहताज था, पर वो अपनी बीवी को पीठ पर ला दे जिसकी कमर की हड्डी टूट गई थी, उसे बचाने के लिए सिग्नल पर भीख मांग रहा था। और मैं कितना बड़ा बेवकूफ निकला जो प्रिया के प्यार को कभी समझ नहीं पाया। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इसी एग्रीमेंट की वजह से उसे घर को छोड़कर जाना पड़ा। मैं अभी जाकर उससे माफी मांगता हूँ और उसे वापस लाता हूँ। मैंने आप दोनों से जो खुशियां छीनी थी उन्हें लौटा कर रहूंगा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ फिर से अपनी जिंदगी शुरू करूं? बेशरम कहीं के। तेरा परिवार और मेरा परिवार एक दूसरे को कई सालों से जानता है ना, तुझे तो खा पी के छोड़ दिया तेरे पति ने, अब तो मेरी हो जा। आंटी जी, सेवन टाइम्स आपकी बेटी मुझे मना कर चुकी है। ए, तुम्हारे दिमाग है या नहीं? ये अभी भी शादीशुदा है, फिर भी तुम इससे शादी करना चाहते हो? गधे हो तुम। गधे की तरह तो उसने लात मार के निकाला इसे। वो तो मेरी हलकट जवानी है कि इसकी सेकंड हैंड जवानी पे मरता हूँ। तू चाहे तो मेरे साथ एग्रीमेंट वाली शादी कर सकती है, एक साल नहीं तो कम से कम एक महीना तो दे। चल एक बस, अब और नहीं, तुझे बात करने की तमीज नहीं है, चल निकल जाए यहाँ से। ए आंटी चुप रहना, ये प्रिया एक रात आएगी पीट दूंगी। बाहर निकल, चल निकल जाए यहाँ से, निकल जाए। लोग पूरा कर लो, निकल। वेट लिफ्टिंग चैंपियन रह चुका हूँ, वेट उठा सकता हूँ। तेरी तो, अरे दामाद जी, इसे मालूम नहीं था कि आप हैं। वो टपोरी अभी बदतमीजी करके गया है, उसने सोचा होगा कि वही है, उसे माफ कर दीजिए। नहीं माँ जी, गलती तो मेरी थी, माफी मुझे मांगनी चाहिए। सॉरी प्रिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तुम्हारी आंखों में देखकर बोलने की हिम्मत नहीं है मुझमें। इसी एग्रीमेंट की वजह से मैंने तुम्हें भेजा था ना, मैं अभी इसी वक्त इसे फाड़ देता हूं। जब तुमने मेरे प्यार को नहीं समझा, इस बेकार से एग्रीमेंट को फाड़ने से क्या फायदा होगा? प्रिया, मुझे अब एहसास हो गया है कि यह शादी की एग्रीमेंट कितनी बड़ी गलती थी। इस बात के लिए मुझे माफ कर दो और हमारे घर वापस आ जाओ। जब आपका मन करे आप मुझे फोन करके बुला ले, और मन करे तो भेज दे। मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूँ। बेटी ये कैसी बातें कर रही हो? तुम बीच में मत बोलो माँ। अगर इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो मुझ में भी नहीं है, अगर इनमें फीलिंग्स नहीं है तो मुझ में भी नहीं है। इस पूरे एक साल में मैं इनके साथ एक हेड कुक की तरह रही हूँ, एक अच्छे दोस्त की तरह रही हूँ, समझदार औरत की तरह रही हूँ। इन्होंने मुझे घर भेज दिया क्योंकि एक मिनट के लिए भी मैं एक अच्छी बीवी साबित नहीं हो पाई। अब पता नहीं यहाँ किस इरादे से आए हैं। मेरी जिंदगी में शादी एक नौकरी की तरह थी और मैंने मन लगाकर काम किया, अब ये जॉब कंटिन्यू करने का मेरा मूड नहीं है। मैं जानता था तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी। अब हम एक काम करते हैं, ऐसा क्लॉज बनाते हैं जिसमें मैं तुम्हें कभी नहीं निकाल सकूंगा। क्या मैं नया एग्रीमेंट बनाऊं? बस कीजिए, इस एग्रीमेंट के अलावा आप कुछ और सोच भी सकते हैं? एग्रीमेंट की बात को दिमाग से निकाल क्यों नहीं देते? माँ जी, ये मेरी बात समझने के लिए तैयार नहीं है, कम से कम आप ही इसे समझाइए। आप इसकी माँ होने के नाते इसका सही गलत अच्छी तरह समझती हैं, पर मेरे पास तो आप जैसी कोई माँ भी नहीं है। मैंने माँ को सिर्फ फोटो में देखा है, कोई संस्कार भी नहीं सीखे, और वो मुझे आपकी बेटी ने सिखाए। प्लीज माँ जी, आप इसे समझाइए ना। प्रिया, दामाद जी की बात को मान लो ना। माँ, तुम्हें पता भी है मुझ पर क्या बीत रही है? मेरे दिल को ठेस पहुंची है माँ। अगर मैं तुम पर बोझ हूँ तो कह दो, मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊंगी। देखो प्रिया, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। जैसे मैं तुम्हें समझ गया हूँ, वैसे ही एक दिन तुम भी मुझे समझ जाओगी। तुम्हें जितना चाहिए वक्त ले लो, मैं इंतजार करूंगा। आई लव यू प्रिया।
अंकल, अखबार में एक एड देखा कि पनवेल में जो जीआरके इंडस्ट्रीज हैं वो बिकने वाली है। आप कुछ पता लगाएंगे उसके बारे में? विजय, आई श्योर जीआरके इंडस्ट्रीज सुना है लॉस में चल रही है। आई नो अंकल, आई नो, क्योंकि कंपनी लॉस में है इसीलिए तो खरीदना चाहता हूँ। आप उनसे बात कर लीजिए और सारा पेपर वर्क शुरू करवा दीजिए, मैं आकर साइन कर लूंगा। ओके। अरे यार, अच्छी खासी चलते हुई कंपनी को चलाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है और तुम एक और मुसीबत को अपने गले डाल रहे हो। भाभी के बारे में सोचो। अरे प्रिया की फिक्र है इसीलिए तो ये कर रहा हूँ। जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वहाँ प्रिया पीए का काम करती है। वहाँ जाकर उससे सीधा मिलूंगा और उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा। उससे मिलने का यही मौका है। हाय, वेलकम टू आवर न्यू कंपनी। थैंक यू। आओ आओ, चलो इस तरफ चलो। ये सलमान है। हेलो। ये शाहरुख, यहाँ पर प्यार से रहते हैं। ये आमिर है अकाउंटेंट, दिमाग में पैसा ही चलता रहता है। ये कतरीना है, ये करीना है, और ये इसका नाम भूल गया है। बहुत सारे, बहुत सारे। ये है आपकी पीए, नई नई आई है। इनका नाम है मिसेज प्रिया विजय। विजय विजय विजय, मौका अच्छा है, झुककर माफी मांग ले। वेलकम। नाइस टू मीट यू। हाथ मिलाओ, बॉस के नजरिए से प्रमोशन नहीं मिलेगा। लगता है ये जोड़ टूटेगा नहीं। ला 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 ला। विजय विजय विजय, गड़बड़ गड़बड़, दूसरी फैक्ट्री खरीदो, इसे बेच दो। हे, अभी अभी तो ये फैक्ट्री खरीदी है, अब दूसरी फैक्ट्री कहाँ से खरीदूं? जो कहता हूँ मानो, प्रिया गुस्से में रिजाइन करने जा रही है। ये क्या कह रहा है तू? तूने ही उससे कुछ कह दिया होगा। किसने? मैंने? ये सब तेरी कारस्तानी है। हाथ मिलाने को कहा था, तू तो रगड़ रहा था हाथ को। बेचारी को टेनिस एल्बो हो जाता, तेरे को दिल नहीं है क्या? मेरे पास तो है, मैं भी जा रहा हूँ, ये ले मेरा रेजिग्नेशन। ओके, कल से मत आ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे टाइम में भी तुझे मजाक सूझ रहा है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई आइडिया बताया? आइडिया आइडिया, तुम उधर छुप जाओ, मैं इधर छुप जाता हूँ। क्या होगा जब वो अंदर आएगी तो खाली रूम देखकर बिना रेजिग्नेशन दिए चली जाएगी। वो आ रही है। May I come in, sir? Yes. अपना resignation letter देने आई हो ना? वहाँ रख दो और चली जाओ। मैं क्यों resign करने लगी? वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी PA जो हो, तुम्हें रोज दिन में 10-15 बार मुझसे मिलना होगा, मुझसे बात करनी होगी, कभी कभी मेरे साथ लंच पर जाना होगा, अगर मौका मिला तो ऑफिशियली मेरे साथ बाहर जाना होगा, और इस सिचुएशन में हो सकता है कि तुम्हारे कदम बहक जाए। सॉरी सर, आप अभी तक मुझे समझ नहीं पाए। मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है। आप चैलेंज करके देख लीजिए, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप अग्रीमेंट के तहत वापस न भेज दें। आपको अग्रीमेंट करना बहुत पसंद है ना? अग्रीमेंट करना मुझे तो पसंद है, लेकिन मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं, और आजकल मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा जो मेरी पत्नी को पसंद ना आए। Have a nice day. प्रिया, एक गुड न्यूज है, तुम्हारी फेवरेट सिंगर अनुराधा पौडवाल के शो की ये VIP टिकट है, लो। मूड नहीं है। तुम्हें पता है कि कितने मुश्किल से मैं ये टिकट ला पाया हूँ? कह दिया ना मूड नहीं है, जबरदस्ती मत करो। मैं समझता हूँ क्यों मूड नहीं है, तुम्हारा पति अभी भी तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है तभी डिस्टर्ब हो। अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मारूंगी मैं। मेरे पास करने के लिए और भी बहुत काम है। तो अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओ ताकि मैं कुछ कर सकूं। तुम इतने बड़े भी नहीं होगे कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। टिकट लाओ, मैं जाऊंगी। यस। Here comes Anuradha Padwal. नमस्ते। हाय। अनुराधा पौडवाल मेरी पत्नी की फेवरेट है,
भाइयों और सभी की बहनों, आज हम यहाँ इसलिए आए, पानी लाना। लाना क्या कर रहा है यार, जल्दी कर। ये ले। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक लाए कि नहीं? वो तुझे हजम नहीं होगा। साथ में समोसे भी लाना। हाँ, तो जिन लोगों ने पैसा देकर टिकट खरीदा है और जो लोग फ्री का पास लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग भी जो यहाँ अकेले आए हैं और वो लोग भी जो यहाँ जोड़े में आए हैं, प्यार में जिन लोगों का दिल दुखा हो, आज की शाम उन बदनसीब लोगों को खुश नसीब बनाकर हम मिलाने की कोशिश करेंगे। और उसी लिए अनुराधा पौडवाल जी खुद अपनी कोयल जैसी आवाज में गाना गाकर हमारा म्यूजिकल मनोरंजन करेंगी। तो गुजारिश करता हूँ, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। विजय चल गाड़ी निकालना, मुझे घर ड्रॉप कर दे। ए, तुझे घर ड्रॉप करने के लिए गाड़ी नहीं लाया हूं। तो फिर जो करना है कर, प्रिया को गाड़ी में बैठा। ओ, मतलब ऑपरेशन बैंड बाजा भाभी, तू टेंशन मत ले, तू गाड़ी में बैठ जा, जैसे ही वो आती है मैं उसे अंदर बिठा दूंगा, समझा? अगर उसने मुझे ही कार से निकाल दिया। तेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है ना, तो बी पॉजिटिव, गाड़ी में बैठ। ए लीचर, तू क्या कर रहा है? इनका पैकअप करने के बाद मैं जाकर उसे पिकअप कर लूं क्या? कौन, वो वाली? कब से मुझे देख रही है, लेकिन इधर क्यों नहीं आ रही? आंख के अंधे, वो लड़की नहीं, पोस्टर है। आजकल नकली भी असली लगता है। बैठो बैठो, आइए आइए, बैठिए। क्या कर रहे हो? अंदर बैठिए, घर छोड़ देंगे, कान तोड़ देंगे, यही कहना चाहती है ना? पर मैं नहीं चाहता कि आप कोई मुसीबत झेले, क्योंकि अगर आजकल आप गौर करें तो देखेंगी कि ऑटो वाले दुबले पतले होते हैं, बेचारों को महंगाई ने पतला कर दिया है, पता है आपको? ये तो कुछ नहीं, परसों हम जिस ऑटो से जा रहे थे उसके ड्राइवर ने खुद को अपनी सीट से बांध रखा। हमारे पूछने पर उसने बताया कि वो इतना हल्का है कि ऑटो चलाते वक्त हवा में उड़ने लगता है। अगर आपको गुस्सा आ गया तो बेचारों की क्या हालत होगी, तो हम उन्हें बचाना चाहते हैं। आप बैठिए, आप अंदर बैठिए ना। अच्छा, साड़ी को अंदर लीजिए। कहते हैं म्यूजिक सुनने के बाद लोग अपने दुख भूल जाते हैं, पर तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम और दुखी हो गई। प्रोग्राम पसंद नहीं आया? कार रोक दीजिए। अगर मैंने अपनी वाइफ के लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया होता ना, तो वो तो खुशी के मारे पागल हो जाती। मैंने आपसे कार रोकने के लिए कहा है, आप फिर भी कार चलाए जा रहे हैं। देखो प्रिया, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने वाला हूँ। तुम्हारे एमडी ने तुम्हें सड़क पर छोड़ा तो शिकायत नहीं करूंगी? शादी के एक साल बाद जब मेरे पति ने मुझे सड़क पर छोड़ा था, तब भी मैंने शिकायत नहीं की थी सर। आप तो मेरे एमडी हैं। नो प्रॉब्लम, पसीना आ रहा है, एसी ऑन कर लीजिएगा। छोटे मालिक, आज कौन से कपड़े पहनेंगे? अबे ये क्या है, तुझसे पहनने के लिए कपड़े मांगे थे, तू पूरी अलमारी लेकर आ गया। मैं तो वही सफेदी की चमकार पहनता हूँ, मुझे कलर के बारे में क्या मालूम, खुद ही चुनिए। हाँ, ये वाला। हाँ, थैंक यू। ए, रुक। अरे ये क्या यार, सफेद रंग के कपड़े पहनकर नेता वाली फीलिंग आती थी, और इन कपड़ों में ऐसा लगता है कि मैं वॉचमैन बन गया हूँ। और मैं क्या लग रहा हूँ, स्कूल बस का ड्राइवर? ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, विजय के लिए कर रहे हैं। कल को अगर मुझे किसी प्यार के चक्कर से तुझे बचाना पड़े और तुझे कपड़े ना भी पहनने पड़े, तो भी तू करेगा। हाँ विजय, विजय कमाल हो गया, कमाल हो गया। प्रिया भाभी आ गई और ऑफिस में चारों तरफ ब्लू ब्लू ड्रेसेस देखकर उनकी आंखें फट गई हैं। हूँ ना मैं प्रिया का सच्चा पति, उसे खुश करने के लिए तो फैक्ट्री के सारे स्टाफ को ब्लू कपड़े पहनाए हैं। उसे फोन करो, मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। ओके मैडम, फटाफट बॉस के रूम में आ जाइए। अपनी भाभी से प्यार से बात करिए। प्यार से? मैडम फटाफट बॉस के रूम में आ जाइए, वो भी आपसे प्यार से बात करना चाहते हैं। नीचे बैठ, नीचे बैठ। खुद को समझ के क्या रखा है तूने? सॉरी, कहता कुछ हूँ और तू करता कुछ है? गधा की तरह। हर तरफ लाल रंग नजर आ रहा है, खतरे की निशानी। सबको ब्लू में बदलो, क्योंकि मेरी वाइफ को ब्लू कलर बहुत पसंद है। किस किस का रंग बदलोगे सर? मेरे अंदर बहने वाला खून भी लाल रंग का है, अगर उसे भी निकाल दोगे तो मैं जीऊंगा कैसे, मर जाऊंगा ना? उससे बहस मत करो, जितना कहा है उतना करो। ठीक है बॉस, वैसे मैंने एक और अच्छा काम कर लिया। क्या किया तुमने? आपने भी ये सोचा नहीं होगा, मैंने पैंट के नीचे जो कच्चा पहना है वो भी ब्लू कलर का है, और ऐसा वैसा नहीं, रॉबिन ब्लू है, रॉबिन ब्लू। यकीन नहीं होता तो खुद निकाल कर देख लो। ऑफिस में और क्या क्या किया आपको नहीं पता है, और देख लेना अब से कोई भी ब्रू कॉफी नहीं पिएगा, सिर्फ ब्लू कॉफी पिएगा। ये तुम कैसे करोगे? सिंपल है, हम लोग दूध में ब्लू कलर मिला देंगे।
वैसे आखिरी बात, अगर आप परमिशन दे तो आपसे एक आखिरी बात करना चाहता हूँ। बस अगले जन्म में मोहे बिटिया ही की जो ऐसी तमन्ना है मेरी। लेकिन तू ऐसा क्यों चाहता है? वो इसलिए कि मुझे आप जैसा अच्छा और प्यारा पति मिलेगा। बॉस आप कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे। अगले जन्म में आप मुझे अपनी बीवी बनाना प्लीज। आपके जैसा पत्नी व्रता पति मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे अगले जन्म तक इंतजार क्यों करूं? आप एक इशारा कीजिए। वैसे कोर्ट ने लॉ भी तो पास कर दिया है, मैं आपका हो जाऊंगा। चल भाग। जा रहा हूँ। बॉस आपकी पीए आ गई हैं। ब्लू पावर, ब्लू ब्ला ब्लू, ब्लू मॉर्निंग मैडम, ब्लेड कर रहे हैं। ब्लाइए ब्लाइए ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रिया, ऑफिस को देखा तुमने? अच्छा लग रहा ना? हाँ अच्छा लगा। ऑफिस में घुसते ही मैं तो हैरान रह गई। Is it? सिर्फ ऑफिस ही नहीं, आप भी काफी बदल गए हैं। कैसा लग रहा हूँ मैं? स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहना, मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर मन काला हो तो कपड़े नीले हो या पीले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फैक्ट्री किट से बोल रहा हूँ सर, हमारे मैनेजर साहब कुछ आदमियों के साथ ट्रक भर रहे हैं सर। जल्दी जल्दी। जल्दी किस बात की है? विजय को पता चल गया तो? संडे को वो ऑफिस नहीं आता, दिन भर वो सिर्फ आराम फरमाता है। क्या मामू, तुम तो कह रहे थे नहीं आएगा, ये तो आ गया। ये अपना बैड लक है, लेकिन इसे यहां से जाने मत देना। चलो बंडर लोग। सबको पुलिस के हवाले कर दो। जी सर। हेलो जीजाजी, आज बहुत खास दिन है, आज प्रिया का बर्थडे है, बहुत अच्छा मौका है। प्रिया को मनाने के लिए कुछ स्पेशल कीजिए। ओके बर्थडे, थैंक यू सो मच। यस आपके लिए गुड न्यूज है। ये बिन बादल बिजली क्यों कड़कड़ा रही है? ये बिजली की कड़कड़ाहट नहीं बांगड़ू, मदारी के कहने पर बंदरों की तालियों की खड़खड़ाहट है। मिस्टर, ये बकबक बंद करो और ये बताओ कि गुड न्यूज क्या है। माँ बनने वाली है, मजाक कर रहा हूँ, बैठ जा। आज के दिन हमारे बॉस की बीवी का बर्थडे है, तो उसे मनाने की खुशी में उन्होंने तय किया है कि आप सबको एक डब्बा मिठाई और उसके साथ ही एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी बोनस में बांट दी जाए। ओहो, इन बंदरों की तालियों की आवाज तेज है। ये लो मिठाई, तुम भी एक डब्बा ले लो। सुनिए, बोलो। मिठाई का एक और डब्बा मिल सकता है? किस लिए? वो क्या है ना, मेरी दो दो पति है, एक को दूंगी तो दूसरे को बुरा लग जाएगा ना, इसलिए। लोगों से एक नहीं संभलता, तूने दो दो रखे हुए हैं। एक अरेंज मैरिज और एक लव। तीसरे के लिए कुछ सोचा? लो दो और रख लो। अरे ये क्या, दो और पैकेट क्यों? क्या पता तीसरा नंबर मेरा ही हो, इसलिए। हाँ बिना सोच के बताना, शगुन अभी से रख लो। बाय। सुनो ना चंदू, एमडी ने अपनी वाइफ के बर्थडे पर हम सबको एक महीने की सैलरी और मिठाई दी है, मेरे बर्थडे पर तुम क्या करोगे? तेरे लिए ताजमहल बनवा के उसमें तेरे लिए कब्र खुदवाऊंगा, चलेगा ना? तो मुझे मरना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हाय प्रिया, मिठाई खाओ। क्या हुआ, मिठाई किस लिए, कोई खुशखबरी है? गुड मॉर्निंग मैडम, ये लो एक किलो मिठाई और ये एक महीने की सैलरी बोनस में।
ये किस लिए? आज हमारा विजय ना, मतलब हमारे कंपनी के बॉस मिस्टर विजय, उनकी वाइफ का कुछ बर्थडे वर्थडे, वो उसे सेलिब्रेट करना चाहते थे, इसलिए ये सब कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा प्रिया, तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं पूजा का सामान लेके आती हूँ, तू चल। अब प्रिया, हैप्पी बर्थडे। यस। प्रिया जरा रुको, सुनो प्रिया, इस गुस्से का क्या मतलब है? मैंने तुम्हें बर्थडे विश किया, उसका गुस्सा फूलों पर क्यों उतार रही हो? मुझे इग्नोर करने के चक्कर में तुम अपनी अच्छाई भूलती जा रही हो। ए मिस्टर, स्टाफ को दिया हुआ बोनस और मुझे दिया हुआ गुलदस्ता मेरे घामों को नहीं भर सकता। मुझे और परेशान मत करो, हटो मेरे रास्ते से। प्रिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। प्रिया, प्रिया तुम मेरी गलती माफ नहीं कर सकती। मैं भगवान के सामने माफी मांग रहा हूँ, मैं दोबारा वो गलती फिर कभी नहीं करूंगा। चलो अब घर चलो। मेरा हाथ छोड़ो। मेरा हाथ छोड़ते हो या नहीं? गुस्सा छोड़ो, चलो घर चलकर बात करते हैं। ये उल्टी सीधी हरकतें कहीं और करना, तुम पवित्र स्थल पर खड़े हो। सर, ये पर्सनल मैटर है, अच्छा होगा आप हमारे बीच ना पड़े। किसी लड़की का हाथ पकड़ना तेरा पर्सनल मैटर है? चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे हम, समझा? ए, ये मेरे और इसके बीच का पर्सनल मामला है, तू बीच में टांग क्यों उड़ा रहा है बे? दूं क्या? एक तो मंदिर में ऐसी हरकतें करते हो, ऊपर से मुझे धमका रहे हो। रुकिए जरा प्लीज, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये हमारे आपस का मामला है, आप लोग बीच में मत पड़िए। तुम्हारे दिल के किसी कोने में हमारा रिश्ता अब भी जिंदा है। थैंक्स प्रिया। सॉरी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बचाया कि तुम मेरे हस्बैंड हो या मेरे दिल में रहते हो। विश्वनाथ जी के बेटे को लोग मंदिर में एक लड़की का हाथ पकड़ने के लिए मिलकर पीटने वाले थे, उन्हें अगर ये पता चलता तो उन्हें बहुत दुख होता, इसीलिए तुम्हें बचाया। अब समझ में आया? तुम्हें क्या लगता है, तुम कोई महारानी हो क्या? इन मर्दों को तुम ठीक से जानती नहीं हो, वो तुमसे माफी मांग रहा है, तुम्हें अपने घर ले जाना चाहते, चली क्यों नहीं जाती? किस घर में पति पत्नी की आपस में लड़ाई नहीं होती है? कौन सा घर ऐसा होता है जिसमें पति पत्नी पूरी जिंदगी में एक बार भी ना झगड़े हो? तुम इतना घमंड मत करो कि सब कुछ खत्म हो जाए, बात समझ आई? कई बच्चे जिनकी माँ बचपन से नहीं होती, वो ऐसी गलतियाँ करते ही हैं। एक माँ होने के नाते मैंने तो उसकी गलती पहले ही माफ कर दी है। जब वो तुझे यहाँ लेने आया और तूने उसके साथ जाने से मना कर दिया, तो तेरी जिद देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हारा पति एक करोड़पति है, 10 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है। अरे अपनी हैसियत तो देखो, अपनी बराबरी तुम उससे कर रही हो? उसके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो तुम, और तुम उससे लड़ने चली हो? मेरे पति ऑफिस नहीं जाते, हम अपने रिश्तेदारों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हर कोई पूछता है तेरी बहन अपने पति का घर छोड़कर क्यों आ गई, मायके में क्यों पड़ी रहती है? मैं उसका क्या जवाब दूं? इससे तो अच्छा होता कि तू शादी ही नहीं करती, हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। बस बहुत हुआ, अपनी शरीर की भूख के लिए मैंने विजय का हाथ नहीं थामा था, ना इसलिए कि वो अमीर था, ना तो मुझे आराम की जिंदगी चाहिए थी और ना ही उसकी दौलत चाहिए थी। मैंने इसीलिए शादी की क्योंकि मेरी बड़ी बहन का पति उसे आज छोड़ गया था, इसलिए की क्योंकि मेरी छोटी बहन शादी से पहले ही माँ बन गई थी और मेरा पढ़ा लिखा भाई बेकार बैठा था। तुम सबकी जिंदगियां संवारने के लिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अपने इस बेबस परिवार को बचाने के लिए अपने सपने बेच दिए। मैंने तुम लोगों के लिए शादी के दिन अपने डिवोर्स पेपर पर साइन किया था और तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो? तू मुझे सिखा रही है कि अपने पति के साथ कैसे रहना चाहिए? शादी के हफ्ते भर बाद तेरा पति तेरे हार्ट ऑपरेशन के लिए यहाँ लाकर पटक गया, वो पति तेरे लिए अच्छा और मैं बुरी हो गई। क्योंकि मैंने तेरे ऑपरेशन के लिए 1 साल के एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं तेरी निगाह में बुरी हूँ। हाँ, मैं बुरी हूँ। तू बिना कुछ समझे उसकी तरफदारी कर रही है। तू कब से हैसियत की बात करने लगा? ओह, इसीलिए कि अब तू कमाने लगा है? जब घर बैठकर अपनी बहन की कमाई खाता रहा, तब तुझे मेरी हैसियत नहीं दिखी? जब हम मुसीबत में थे तब तू मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाता और मुझे नौकरी पर न जाने देता, तब मैं समझती। अचानक हमदर्दी क्यों जागी है, मैं सब समझती हूँ। मुझे बड़ा अफसोस है कि आपके पति ऑफिस नहीं जा पाते, या आप लोगों को रिश्तेदारों के यहाँ जाने में शर्म आती है? मैडम, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाने पर नहीं आई थी आपको शर्म? मैं अपने पति का घर छोड़कर आई तो तुम शर्मिंदा हो रही हो? कोई कुछ भी समझे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर माँ होकर भी तुमने भी मुझे गलत समझा। क्यों?
जब मेरे पति ने एग्रीमेंट की दुहाई देकर मुझे छोड़ दिया तो मैं इस विश्वास के साथ यहाँ आई कि तुम सब मेरा साथ दोगे। क्या किसी एक ने ये भरोसा दिलाया कि वो मेरे दुख दर्द में मेरे साथ खड़ा है? तुम लोगों में से कोई मुझे इस परिवार का मानता ही नहीं है, जिसमें मेरे लिए फीलिंग्स ही नहीं है, जिसकी पत्नी मैं नहीं बन पाई। कभी हेड कुक, कभी नर्स, कभी ऑफिस स्टाफ, तो कभी उसके साथ मैं कैसे रहती? बताओ, जिंदगी कैसे बिताती? चुप क्यों? प्रिया, क्या हुआ? प्रिया, दीदी, प्रिया, प्रिया, दीदी, क्या हुआ? दीदी, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। अब तुम्हें ध्यान रखना होगा, खासकर अपने खाने पे। मैडम रुको, आपको ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। क्यों? मेरा रूम तो ऊपर है। वो रूम फिसल कर सीढ़ियों से अब नीचे आ गया है। क्यों? क्योंकि बैग का सामान भारी है। बैग का सामान भारी नहीं है, कुछ और भारी है। अरे मजाक छोड़, देखिए आप तो ऊपर चली जाएंगी लेकिन छोटा बच्चा सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, तो साहब ने रूम नीचे शिफ्ट करवा दिया। चली गई। और ख्याल रख उनका। मुझे क्या मालूम था ऐसा होगा। मेरे चंदू, टची टची मत कर। जरा सुनो तो सही। हा? तुम उसका इतना ख्याल रख रहे हो, मेरा किस दिन रखोगे? उसके लिए पहले तुझे प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। कौन करेगा? मेरे बिल्डिंग के वॉचमैन से शादी कर ले, वो कर देगा। पाँव तो नहीं, हाथ बहुत भारी है। आओ पार्वती, परसों मेरी बहू की गोद भर आई है, आप लोग जरूर आइएगा। लो बेटी सिंदूर, अपने साथ प्रिया को भी ले आइएगा। ठीक है माँ। बोलो बेटा। सोच रही थी कि तुम मेरी भी गोद भराई करवाओ, करोगी ना? क्यों माँ, क्या ये फंक्शन नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है प्रिया, हम बच्चे के लिए ये फंक्शन कैसे कर सकते हैं जब तुम दोनों साथ ही नहीं रहते। ऐसा नहीं है माँ, ऐसी हालत में हमें इसको खुश रखना चाहिए। आपको तो ये पता होना चाहिए क्या हुआ अगर वो नहीं है तो। प्रिया तुम बिल्कुल मत घबराओ, इस फंक्शन की सारी तैयारियां मैं संभाल लूंगा। ओके शंकर। हाँ, बोलो प्रिया। फंक्शन सिंपल नहीं होना चाहिए, ये उतना ही शानदार होना चाहिए जितना विश्वनाथ सर करते, इस बात का ख्याल रखना। ओके प्रिया। हम सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे, अपने ऑफिस स्टाफ को भी बुलाना और मेरे ऑफिस स्टाफ को भी बुलाना। ठीक है प्रिया। सुनो, इनको भी जरूर बुलाना। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मेरे मन में बात आई तो मैंने कह दी, और इनके अलावा अंकल को भी बुलाना। जैसा तुम कहो प्रिया। अगर एक पीए के फंक्शन में कोई एमडी खुद चलकर आए और इतना महंगा तोहफा दे तो सारा स्टाफ यही सोचेगा ना कि हमारे बीच कोई खास रिश्ता है। तो आज आप सबके सामने बता दीजिए कि हमारे बीच आखिर किस तरह का रिश्ता है। ये जरा रिजर्व टाइप के हैं, इसीलिए इतनी सारी औरतों के सामने शर्मा रहे हैं। मैं ही बता देती हूँ कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। अग्नि को साक्षी मानकर पूरे रीति रिवाज से मेरे गले में मंगलसूत्र बांधने वाले यही हैं। अच्छा, अगर कोई पूछे कि एक एमडी की बीवी अपना घर छोड़कर अपने मायके में क्यों रहती है, तो मुझे इसका क्या जवाब देना चाहिए? पता नहीं आज मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है जो इतना शर्मा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ।
कुछ लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, कुछ लोग इंटर रिलीजन मैरिज भी करते हैं, कुछ लोग मंगलसूत्र बांधे बिना भी शादी करते हैं, पर हमारी मैरिज है समथिंग डिफरेंट। 21वीं सदी में मेरे हस्बैंड ने निकाला एक एग्रीमेंट मैरिज, जिसके मुताबिक मुझे एक साल के लिए उनके साथ रहना था। टेम्पररी वाइफ बनाने के लिए बनाया गया था ये एग्रीमेंट, और उस एक साल के अरसे में वो मुझे परखना चाहते थे। अगर मैं अपने स्वभाव से उन्हें खुश कर सकी तब वो सोचेंगे कि अपनी इस टेम्पररी वाइफ को परमानेंट किया जाए या ना किया जाए, और अगर इस एक साल में मैं इम्प्रेस नहीं कर पाई तो वो मुझे निकाल देंगे। सॉरी, मुझे बाइज्जत मेरे घर पर छोड़ दिया जाएगा। इज अ नाइस जेंटलमैन। अब आप कहेंगे कि उस एक साल में इन्होंने मुझे कभी पसंद नहीं किया, तो ये पूछिए कि ये बच्चा कहाँ से आया। उस एक साल के दरमियान कभी कभी इन्होंने मुझे अपनी बीवी समझा, और मैंने भी एक अग्रीमेंट वाली वाइफ की तरह वो ड्यूटी पूरी भी की, लेकिन अग्रीमेंट पूरा होने के बाद इन्होंने मुझे भेज दिया। अब ये बात बहुत ताज्जुब की लगती है कि मेरे अग्रीमेंट वाले पति को मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर घर भेजने के बाद मुझसे प्यार हो गया। फिर मेरे लिए एक कंपनी खरीदी जो लॉस में चल रही थी, और एक बस भी चलवाई क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। फैक्ट्री खरीदना, बस चलवाना बिजनेस नहीं था, वो आपका प्यार जीतने का बहाना था। तुम्हारे एमडी ने खुद कहा कि मेरे लिए उनके पास कोई फीलिंग्स नहीं है। अचानक ये फीलिंग कहाँ से आ गई? या एग्रीमेंट के लिए कोई और लड़की नहीं मिली? प्रिया, मैं तुम्हारे गुस्से की वजह जानता हूँ बेटे, लेकिन अब इसे अपनी गलती पर अफसोस है, तभी तो ये वापस आया है। तुम इसे माफ कर दो बेटी, प्लीज। सॉरी सर, जब चाहा गुड़िया समझकर खेला, जब चाहा उस गुड़िया को फेंक दिया। बिना फीलिंग्स का अग्रीमेंट करके इन्होंने मेरी फीलिंग्स को बुरी तरह तोड़ दिया, फिर भी आप कहते हैं मैं माफ कर दूं? प्रिया, अगर तू सचमुच इतनी ही नाराज थी तो इन्हें फंक्शन में बुलाया ही क्यों? आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैं इंडस्ट्रियलिस्ट विश्वनाथ सर की बहू हूँ या उनके बेटे विजय की वाइफ हूँ, समाज में इस बात का ढिंढोरा पीटने का मुझे कोई शौक नहीं है। माँ, मेरा पति कौन है ये बताए बिना मैं रह सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे का बाप कौन है ये बताने के लिए मैंने दुनिया भर के लोगों की भीड़ को यहाँ बुलाया, ताकि कोई मेरे बच्चे को नाजायज कहकर ना बुलाए। यहाँ आने के लिए थैंक्स। अब जाइए। प्रिया बेटी, तुम्हारी कोख में मेरे खानदान का वारिस है। क्या तुम इन बातों से ये साबित करना चाहती हो कि इस आने वाले बच्चे के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है? कोई रिश्ता नहीं है, आपका इस बच्चे के साथ कोई संबंध नहीं है। वो शादी का एग्रीमेंट वो मेरे साथ हुआ था, उसमें हमारे सालाना रिश्ते से होने वाले बच्चे के बारे में कुछ नहीं लिखा था। आपका इस बच्चे पर अधिकार बिल्कुल नहीं बनता। एक टेम्पररी वाइफ की सेवाओं के बदले में दिया गया एक गिफ्ट है ये। एग्रीमेंट ने मुझे चाहे जितने भी दुख दिए हो, पर अब यही मेरा सहारा है। इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे इस बच्चे पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। ये सिर्फ मेरा बच्चा है, सिर्फ मेरा बच्चा। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। शाबाश, हमारी इस एक साल की शादी में जितने दुख तुमने सहे थे, जितनी कुर्बानियां तुमने दी थी, उन्हें बखूबी सुनाकर लोगों की सिंपैथी हासिल कर ली तुमने। तुम्हारी ये दुख भरी दास्तान सुनकर सब लोग यही कहेंगे कि कितना बुरा इंसान हूं मैं। गुड परफॉर्मेंस। लेकिन तुमने अपनी इस दुख भरी कहानी में सब कुछ सुनाया, पर एक बात बताना भूल गए। सच में भूल गई हो या नाटक कर रही हो? बस अभी तो जोर जोर से चिल्ला रही थी, कितना हंगामा मचाया था तुमने। क्या आप किसी ने जबान खींच ली तुम्हारी? तुमने ये सारे सवाल पूछने के लिए इतने दिन इसी फंक्शन का इंतजार क्यों किया? शादी में मंगलसूत्र बांध रहा था तब भी पूछ सकती थी ना, उसी समय मंगलसूत्र फेंक देना चाहिए था, और हमारी शादी की उस एक साल की अग्रीमेंट को भी तभी के तभी फाड़ देना चाहिए था। क्यों नहीं फाड़ा? तुम जानती थी कि जो एक साल का अग्रीमेंट मैंने बनाया था वो बिल्कुल गलत था, ये मैं मानता हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, पर मैं यहाँ की परंपरा नहीं जानता था। यहाँ शादी को जितना पवित्र मानते हैं उतना अमेरिका में नहीं माना जाता। वहाँ दिल से दिल मिल गए तो लोग साथ में रहते हैं, वरना अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दोस्त बने रहते हैं। उस देश में यहाँ जैसा कोई बंधन नहीं है। पति पत्नी का साथ रहना ना रहना उनका फैसला है, समाज और परिवार का नहीं। मैंने वहाँ मर्दों को दो बार शादी करते देखा है, और कभी कभी औरतों को पांच बार। जब तक मैं हमारी परंपरा समझ नहीं पाया, मुझे अपने उस अग्रीमेंट मैरिज में कोई भी बात गलत नहीं नजर आई। लेकिन प्रिया, हमारे इस समाज में शादी का क्या मतलब है तुम जानती थी? मंगलसूत्र की क्या मर्यादा है तुम जानती थी? इस देश में पत्नी को पति के साथ हमेशा रहना चाहिए ऐसा समाज कहता है, ये भी तुम जानती थी। तुम ये सब कुछ जानती थी। पति पत्नी का साथ जन्म जन्म का होता है, ये बात तुमने खुद मुझसे कितनी बार कही थी, फिर भी तुम इस शादी के लिए राजी क्यों हुई? बताओ, अब सिर क्यों झुक गया तुम्हारा?
ये विश्वनाथ जी के बेटे को यहाँ का कल्चर पता नहीं है, तो उसे वो सिखाने के लिए तुम इस शादी के लिए राजी हो गई? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बुरी आदतों को बदलकर मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए तुम पत्नी बनकर मेरे घर पर आई थी? ऐसी कोई वजह नहीं थी। अपने बहन के हार्ट के ऑपरेशन के लिए तुम्हें पैसे चाहिए थे, अपनी छोटी बहन की शादी के लिए तुम्हें दहेज चाहिए था, भाई के लिए नौकरी चाहिए थी, और इस सब के लिए विश्वनाथ जी जैसे अमीर आदमी का पैसा चाहिए था, और मैं बन गया क्रेडिट कार्ड। और तुम्हारे शातिर दिमाग ने ये प्लान बनाया कि मेरे जरिए तुम अपने परिवार की मुसीबतों को दूर कर सकती हो, और तभी तुमने अग्रीमेंट पर साइन किया। कितनी चालाकी से मेरी बेवकूफी का फायदा उठाया है तुमने, और अब कह रही हो कि ये सब मेरी गलती है। और क्या कहा था तुमने, हा? कितनी बेशर्मी से तुमने कह दिया कि मेरे शरीर की भूख को मिटाने के लिए मैंने तुम्हें मजबूर किया। मैं और तुम एक साल करीब करीब 365 दिन एक ही कमरे में एक छत के नीचे सोए थे। कभी कभी मैं होश में होता और कभी कभी नशे में घर आ जाता, लेकिन क्या एक बार भी मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? क्या कभी तुम्हारा रेप किया है मैंने? तुमने अपना हाथ बढ़ाया, इसीलिए मैंने थाम लिया। इस देश में किसी लड़की को पटाना कोई मुश्किल बात नहीं है, उसके लिए सिर्फ 50 रुपए के फूल और 10 रुपए की चॉकलेट ही काफी है, पर मुझे तो वो भी नहीं करना पड़ता। छोटी सी स्माइल ही कर देता ना तो पूरे एक साल तक एक लड़की, हर एक घंटे एक नई लड़की मेरे साथ रहती, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। पर मेरी ये फितरत ही नहीं है, आई एम नॉट अ वुमनाइज़र। हाँ ये सच है कि उस एक साल में मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम अलग हुए मुझे तुमसे प्यार हो गया। मेरी बात का यकीन करो, अपने नाम के साथ तुम्हें मेरा नाम जोड़ने में शर्म आती है, पर फिर भी अपने इस आने वाले बच्चे को तुम मेरा नाम देने पर तुली हुई हो, ये मेरी समझ में नहीं आता। मैं अपना बच्चा तुम्हारे पास किस बिना पर छोड़ जाऊं? जिस तरह तुमने मुझे चोट पहुंचाई है वैसे मेरे बच्चे को नहीं पहुंचाओगी, इसकी क्या गारंटी है? अगर चाहूं तो कभी भी किसी भी वक्त अपने बच्चे को ले जा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। किसी बच्चे की परवरिश में उसकी माँ की ममता की अहमियत उसके बाप के पैसों से ज्यादा होती है। मैं नहीं चाहता कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो तो मेरे जैसा बने, इसीलिए हमारा ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा होगा। प्लीज उसका ख्याल रखना प्रिया। प्रिया वो एक औरत ही होती है जो किसी मर्द की जिंदगी में खुशियां लेकर आती है, और वो एक औरत ही होती है जो एक मर्द के आंसुओं की वजह बन जाती है। अपना ख्याल रखना, और हमारे बच्चे का भी। बच्चों की तरह क्यों रो रहा है यार? इतना इमोशनल मत हो, तुझे अपने आप को संभालना होगा। प्लीज रो मत, शांत हो जा, मैं तुझे ऐसा नहीं देख सकता। तू तो मुझे अच्छे से जानता है ना, मैं कभी रोया हूं क्या? लेकिन उसने रुला दिया यार। ये शंकर तुम्हारी बहन है ना, उससे मैंने शादी से पहले प्यार नहीं किया था, और शादी के बाद उसके घर छोड़ने तक भी मुझे प्यार नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं उससे सचमुच प्यार करता हूं। अब तो ऐसा लगता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, पर वो समझती ही नहीं। वो मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ करने को भी तैयार नहीं। जीजा जी, एक ना एक दिन वो आपके प्यार को समझेगी और वापस आएगी। वो नहीं आने वाली, तुम उसे अच्छी तरह जानते हो ना, अपनी जिद की वजह से वो यहाँ नहीं आएगी। एक आखिरी कोशिश तो करके देखो, बात करने से वो जरूर वापस आ जाएगी। ये नामुमकिन है, मैं उसके लिए मर भी जाऊं ना तो वो मुझे माफ नहीं करेगी। तुम वहां जाओगे तो बहुत पछताओगे। जो होगा देख लेंगे, लेकिन हम वहां जाएंगे और वापस उन्हें लेकर ही यहाँ आएंगे। आंटी जी, वो टपोरी यहाँ आया था क्या? वो तो नहीं आया, क्या हुआ? कहीं वो विजय के पास तो नहीं पहुँच गया? पर हुआ क्या बताओ तो। आप तो ऐसे करिए जैसे आपको मालूम नहीं। हमारा कंपनी मैनेजर और आपका वो 7 times जेल तोड़कर भाग गए हैं, और हाथ में चाकू लेकर विजय को जान से मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। अरे इन्हें छोड़ो, हम दोनों चलकर उन्हें ढूंढते हैं, यहाँ टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं। आंटी जी, अगर विजय यहाँ आए तो उसे जाने मत दीजिएगा, सावधान रहिएगा, उसकी जान को खतरा है। माँ, इन दोनों की बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है, उन्हें कुछ होगा तो नहीं? शंकर, ये क्या हुआ? तुम्हें चोट? तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। माँ, माँ वो टपोरी जेल से भाग गया है, उसने मुझे बहुत मारा पीटा माँ, और जीजा जी के बारे में पूछने लगा और कहने लगा कि जल्दी से बता नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, पर मैंने नहीं बताया माँ। मुझे तो डर लग रहा है कि वो जीजा जी को जान से ना मार डाले।
चलिए ना भैया। अरे मैं क्या करूँ, आगे एक्सीडेंट हो गया है, ऑटो आगे नहीं जाएगा। ठीक है ये लो। भैया मुझे तो फ्लाइट। विजय, प्लान के मुताबिक मैनेजर और 7 टाइम्स जेल से भाग चुके हैं और तुम्हें मारने आने वाले हैं। प्रिया तक ये खबर अच्छी तरह पहुंचा दी गई है, ठीक है? बॉस, अलमारी में लाल रंग का पेंट रखा है, उसे अपने पेट पर लगा लेना। बोतल या चाकू से लगे घाव का निशान भी बना लेना। जब वो आपके पास पहुंचे तो बिल्कुल मरे हुए आदमी की एक्टिंग करना। ड्रामे के बारे में मैं जानती हूँ, ज्यादा एक्टिंग मत करो। प्रिया, एग्रीमेंट के नाम पर तुमने मेरा दिल तोड़ा, वो भी मैं बर्दाश्त कर गई, पर अब तुम मुसीबत में हो ये कहलवाकर मुझे से प्रेग्नेंट औरत को सड़क पर दौड़ाया। यकीन नहीं होता कि तुम इतना गिर गए हो कि अपने बच्चे को भी मारना चाहते हो। तुम सिर्फ नीची नहीं, खूनी भी हो। क्या तुम्हें मेरी और मेरे बच्चे की मौत के बाद ही चैन मिलेगा? अगर ऐसा है तो हमें मार डालो। पर हमारे मरने के बाद, हमारे अंतिम संस्कार के लिए तुम मेरे और मेरे बच्चे के शरीर को हाथ भी नहीं लगाओगे, और हमारे जाने के बाद तुम भी कभी चैन की सांस नहीं ले पाओगे। लड़का हुआ है। माँ,
पहले मुझे उनके पास ले चलो। बच्चे का मुंह तो देख ले रहे तो, प्लीज माँ, पहले मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। मुझे उनके पास ले चलो प्लीज। सुनिए जी, ए जी सुनिए ना, देखिए प्रिया, देखिए माँ, ये बोलते क्यों नहीं, बोलिए कुछ, बोलिए ना, यहाँ रख दो इनका बच्चा, इनके पास रख दो। ए जी, ए जी, देखो हमारा बच्चा। अरे चलो चलो चलो, अब इस बच्चे के दादू की बारी है, इसी खुशी का तो कब से इंतजार था। अरे 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 अरे, कितना प्यालू प्यालू है, कितना गोलू बोलू, अपने दादा की तरह गोल मटोल है, बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। देखो अब तुम लोग कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा पोता मुझे चाहिए, इसे सारी दुनिया घुमाऊंगा, डांस करूंगा, बस हम दोनों। अरे नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं क्या करूंगी। अरे अगर आप नहीं देंगे तो मैं छीन लूंगा। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, एक साल इसे आप रख लीजिए और एक साल माँ जी रख लेंगी, हम ऐसा अग्रीमेंट बना। अग्रीमेंट, फिर से अग्रीमेंट की बात कर रहा है।